ओके गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग लाइव है, तो आज का लाइव थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है? थोड़ा कस्टम ही अलग सा होना है। इतने दिन से हम लोग अच्छा सिचुएशन में अच्छा चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे, और आज थोड़ा गलत तरीका में गलत चीज़ को डिस्क्राइब करने वाले हैं। थोड़ा क्या बनाया भाई, क्या क्या बनाया लाइन को भाई, सच्ची बता रहा हूँ। चलो गाइस, तो रूम आईडी सब कुछ बन के 2 मिनट में आने वाला है हमारे हाथ में। ओके, मेरे को कॉल आया एक। ओके, बोरिया ने कॉल किया। गाइस, ओनली थ्रोवेल, क्या बोलता है, व्हीकल्स भी नहीं है, बस खाली थ्रोवेल और वेपन्स है। क्या बोला मैं, ये सब 3 टाइम्स फर्स्ट एड बूस्टर, ये सब 3 टाइम्स कर दिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली थ्रोवेल से गाइस, तो बस खाली आपको वहाँ पर ग्रेनाइट मिल सकता है, आपको मोलोटोव मिल सकता है, स्टन ग्रेनाइट जो सब होता है वही होगा आपके पास। ओके गाइस, बन गया फटक से। गाइस एक बार उससे आगे हम लोग पॉइंट टेबल और सब टीम का जो स्टैंडिंग है और जो टीम्स क्वालिफाई किया उसका डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटक से। और उसका इंटरव्यू तो रहेगा टॉप 3 टीम्स के लिए, तो उसको लिए कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला। ओके चलो गाइस, रूम बन गया फटक से। पहले ज्वाइन करना है मुझे रूम को कैसे भी करके। मैकपिक गेमिंग व्हाट्सएप ब्रो, कैसे हो भाई? उनको लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी बहुत टाइम है, ठीक है? अभी थोड़ा एंजॉय करते हैं गाइस। आज का कास्टिंग थोड़ा 18+ होने वाला है, तो आप लोग जरूर ईयरफोन लगा लियो कान, नहीं तो कान आपका क्या पता, आपके जो मतलब आप जो चीज़ देख रहे हो वहाँ से उसके बगल से कोई बंदे कोई जूता फूता पिक के ना मार दे आपको। और मेरा ही बेइज्जती हुआ भाई, तो लोग बोलेगा किसका देख रहा है भाई, इसका देख रहा है भाई, क्या कास्टिंग करता भाई, टट्टी है भाई। तो इसलिए बता रहा हूँ गाइस, थोड़ा अलग है, ठीक है? ओके, आईडी पासवर्ड फटाक से आ गया, मेरे को पहले ज्वाइन करने दो, वरना बंदे लोग बहुत हरामी है साला, मेरे को घुसने भी नहीं देगा रूम में, इतना चूती है बंदे हैं। ज्वाइन, ठीक है? 5-1, 5-1, 4-1, 2-1 भाई, बहुत हरामी बंदे भाई, बाद में मतलब घुसने नहीं देगा, इतना हरामी है सब। कोई एक्सपेक्टेड में घुस के बैठा रहेगा, देखता हूँ, मेरे को घुसने नहीं दिया, इसलिए ज्वाइन कर लेना मेरे को। ओके, मैं आ गया हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। चलो गाइस, तो अभी चलो हम लोग का क्या एडवांस कस्टम रूम आईजी बैसू को बहुत ज़रा शाउट आउट, जिसने हेल्प किया पहला रूम क्रिएट करने के लिए। तो गाइस फटाक से ज्वाइन कर लो, आईडी पासवर्ड सब आप लोगों को दे दिया हूँ ग्रुप में। चलो अब मज़ा आएगा भाई, सच्ची आज इस दिन का वेट कर रहा था मैं इतने दिन से, कब मौका मिलेगा मेरे को खुल के कास्टिंग करने का, कब मिलेगा मौका। चलो यहाँ पर गाइस, हम लोग को कुछ बंदे दिख रहे हैं, चूतिए बंदे सब। आज मैं गलत ही बोल रहा हूँ भाई, कोई भी हर्ट मत होना, मैं आगे बता रहा हूँ, मेरा कास्टिंग से कोई भी हर्ट नहीं होना, सबको आगे बता दिया हूँ, क्योंकि कास्टिंग थोड़ा अलग होगा, तो मैं किसी को भी मतलब ना बस मज़े के लिए जो चीज़ बोलूँगा, तो आप दिल में मत लेके मेरे को कंट्रोवर्सी में लेके आ जाना। तो सीन ये है गाइस, हम लोग को यहाँ पर डेंजर रवि बी, जिनको हम जानते नहीं, हाँ STFW के बंदे को जानते, जो बहुत दिन से चूक रहे हैं खेलने में, ना ही कस्टम हो पा रहा है इनसे, ना ही क्लासिक में बस किल चोरी के लिए भाग रहा है, और कुछ हो नहीं रहा है इनसे, ठीक है? बस KD इंक्रीज किए जा रहा है, क्लासिक तो खेलना हो नहीं रहा है। ओके, यहाँ पर हम लोग का इग्नाइट्स के बंदे ज्वाइन कर लिए फिलहाल, जो कल का मीरामर बाप, कल का सानो इरांगल क्या गलत ही खेला था भाई, सच्ची बता रहा हूँ भाई, जो पेला था IM ऑफिशियल को, ये गलत है, ये भाई भाई में ये दरार हो रहा है। यहाँ पर स्कैम हो रहा है मेरे साथ, एक पता नहीं क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। चलो गाइस फटाक से एक एक करके ज्वाइन कर लो। ओके, यहाँ पे एक्सेल मेगाट्रॉन इज देयर,
मेगाट्रॉन बोलते, डेंजर हरीश बोलते, हाँ रूम भरेगा भी कि नहीं पता नहीं मेरे को, क्या पता। सोलो रेवन इज देयर, डब्ल्यू पी डेड शॉट इज देयर। ओके यहाँ पर हमें आईएएस के बंदे दिख रहे हैं, बीटीएस के बंदे दिख रहे हैं। आईएएस नहीं दिखा, बीटीएस दिखा है फिलहाल। तो आज का हम लोग का गाइस, आज का हम लोग का इंटरव्यू थोड़ा सा अलग रहेगा, तो आप लोग जरूर जाना चेक करियो। इंटरव्यू को थोड़ा सा आप इंजॉय करोगे और अपने फैमिली फैमिली के साथ सबसे शेयर करना, क्योंकि आप लोग प्रूव किए हो, तो एक छोटा सा इंटरव्यू तो बनना है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। मैं चाहता था, दिल से चाहता था ये करना, और करेंगे भी। भाई एक बात पूछना है ब्रो, मैकपिक गेमिंग में वेट कर रहा हूँ, पूछिए क्या पूछना है आपको, बताइए क्या पूछना है, वो बताइए। बैकपैक गेमिंग क्या पूछना है, आई एम वेटिंग। चलो 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 गाइस, जो भी नए हो एक बार फटाक से सब्सक्राइब ठोक देना और लाइक ठोक देना, और आज का इंटरव्यू कोई भी मिस मत करना। ये मिस कर लो, कुछ भी मत मिस करो भाई, आज का जो चीज़ होने वाला है ना, कभी हुआ ही नहीं भाई। रूम में तो घुसने दो, आगे खुजला रहा है हाथ बहुत, पता नहीं क्यों, जैसे मेरे को लगेगा। चलो गाइस कितना बजे स्टार्ट करना है, एग्जैक्टली 6:30 में स्टार्ट होगा, 30 स्टार्टिंग टाइम है। नो डिले विल बी देयर। चलो गाइस सबको रिक्वेस्ट है, नो ड्रॉप वेपन्स टच करने का, ठीक है। वरना गलत गाली दूंगा। गाइस नो ड्रॉप वेपन, ठीक है। आगे मैं सबको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई टच किया ना, मैं गलत अपने खुद से गाली दूंगा, ठीक है। क्या चूतिया क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप में, एआर मिल सकता है, एआर यूज कर सकते हैं भाई, क्या बताओ भाई, एआर करूं मैं ही नहीं, बस ड्रॉप वेपन टच नहीं करना। किसी बंदे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, रूम में मजे करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। गाइस सब्सक्राइबर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड मैंने मैं बता दे रहा हूँ, आईडी पासवर्ड किधर गया। हाँ आईडी पासवर्ड 5141221 है, आप पासवर्ड 123 पर। गाइस तो अगर किसी को भी इंजॉय करना ये वाला कस्टम, तो फटाक से ज्वाइन कर लो, किसी का भी स्लॉट में ज्वाइन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग कर सकते हो ज्वाइन, ये आपका मर्जी है। मेरे को नहीं लग रहा रूम रूम भरेगा, बहुत कम चांस है रूम भरने का। हाँ भाई, कॉल करता ये ऑन स्ट्रीम कॉल करता भाई, चूतिया बंदा है सच्ची बता रहा हूँ।
गाइस सबको स्कूल उतरना है, ठीक है, सबको स्कूल उतरना है कहां पर भी हो। ओके 20 बंदे और 60 बंदे रहेगा, काफी हो जाएगा, बहुत है, 60 बंदे काफी है, देखते कितने बंदे आते हैं। ओके यहाँ पर सैंकफाइड इज देयर, जेरी शर्मा, स्टी डब्ल्यू, डाइनो, टीम आईएस और बंदे लोग आ रहे हैं, एक करके आने दो। गाइस कोई कहीं भागेगा नहीं, ठीक है, स्कूल में सबको उतरना है, वहाँ फाइट करना है, ठीक है। अब थ्रो लेवल से जिससे जिसको जो मारना मारो वही फाइट होना चाहिए बस, और कहीं नहीं होना चाहिए। अगर 20 बंदे भी ज्वाइन होंगे स्कूल में उतरना है। चलो 5 मिनट टू गो, एक्सेप्ट का एक ही बंदा दिख रहा है फिलहाल, टीम आईएस के बंदे आ रहे हैं। मिस्ट्रियस अलग खेलेगा क्या? वो अलग खेल रहा है शायद, शायद ओके। डाइनो रेंजर इधर आता हुआ, ओके अरे यार ये सैंगफॉइंट का, ये सैंगफॉइंट का जगह कोई और लेता हुआ यहाँ पर गाइस। जब मैं सैंगफॉइंट में एक नया मेंबर आता हुआ डायनो सोमिया, डायनो रेंजर्स क्लैन छोड़ के, फिलहाल यही दिख रहा है मेरे को, और कुछ पता नहीं मेरे को। यहाँ पे एक्सेप्ट जोकर ज्वाइन करता हुआ फिलहाल, भाई गलत है। चलो गाइस फटाक फटाक से, 4 मिनट टू गो, 4 मिनट टू गो। भाई यहाँ पे मिस्ट्रियस अपना ओके, यहाँ पे STW यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, भेनम दिख रहा है यहाँ पे, टीम BTX इज देयर ओके, टीम IES भी यहाँ पे, एक्सेप्ट का दो बंदे दिख रहे हैं, 20 दीपक है यहाँ पे, डेंजर के दो बंदे हैं, MD साहिल इज देयर, और उसके बाद यहाँ पर ये सब, चलो ठीक है ओके। उल के बंदे आए हैं एक एक करके, आओ फटाक से आओ। एक स्क्वाड
चलो भाई सब स्कूल उतरना, फाइट फटाक से खत्म हो जाएगा वैसे में तो। 2 मिनट टू गो, भाई बंदे कम ज्वाइन किए, ये गलत लगा मेरे को। मैं चाहता था बंदे थोड़ा बुम बाम से ज्वाइन करता। अगर ठाकुर इज देयर, चलो गाइस इतना बंदे काफी है। चलो चलो गाइस स्टार्ट कर दो भाई, आपका स्ट्रीम देखने के लिए फोन चार्जिंग में लगा कर देख रहा हूँ। ओके चलो गाइस, टीम्स कम है तो एक ही होने वाला है, ठीक है? दो तीन नहीं करवाऊंगा। अगर रॉयल पास गिव वे करता तो हो सकता था, ऐसा चांस होते हैं, तो फिलहाल ऐसा सीन नहीं है। ओके यार मैसेज आ रहा है, कहाँ है BTX? आई एम ऑफिशियल टॉप 10 टीम्स। चलो स्टार्ट कर दो, चलो काफ़ी है, टिम्स काफ़ी है। चलो चलो गाइस चलते हैं, एक ही करवाएंगे, मेले का ऑप्शन नहीं आएगा, एक ही करवाऊंगा क्योंकि बंदे कोई इंटरेस्ट नहीं है खेलने का, तो क्या कर सकते हैं। भाई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट क्या कर रहा है, गाइस 1 मिनट 1 मिनट करे जा रहे बंदे लोग, क्या बताओ। मैं भी सोच रहा किसी के स्क्वाड में ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या क्या सोचना है बताओ, कर लूँ क्या?
बताओ कोई बता, मैं कर लूँ क्या किसी का स्क्वाड ज्वाइन? मेरे को भी मन करा खेलने का, क्या कर सकता हूँ, थोड़ा कास्टिंग कर करके परेशान हो गया। कोई और कास्ट कर देता ना तो मैं खेलने के लिए रेडी था, पर कौन करेगा कास्ट? नोबडी इज देयर, अपना दिल का बात कोई नहीं देख सकता, सुन सकता, देख नहीं सकता। मेले में पक्का आऊंगा। अरे यार स्कैम हो रहा है बे, स्कैम हो रहा है। वेट किसका कर रहे हैं मेरे को पता नहीं चल रहा है। एक्सेल मेगाट्रॉन, मेगाट्रॉन देखते हैं कभी, फिलहाल तो ओके। एक्सेप्ट के बंदे आए हैं फिलहाल, स्टार्ट कर दिया, कर दे जा वाई टी, कर दे भाई, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। ओके गाइस स्टार्ट हो गया फटाक से, सब स्कूल में उतरना ठीक है गाइस, रिक्वेस्ट है सबको, सब स्कूल में उतरना, कोई किधर भी नहीं जाना, 5 मिनट का मैच है बस, देखते कौन निकालता है यहाँ से ठीक है। बेस्ट थ्रो लेवल का किताब देखते किसके पास जाता है। चलो ओके, यहाँ पे डायना सोमिया फिलहाल मेरे को दिखता हुआ। ओके बीस दीपक यहाँ पर अपना लंगा पुंगा कपड़ा पहन के, ओके देखते क्या होता है यहाँ से। ऑल पे गाली चल रहा होगा फटाक से, मैं बोल सकता हूँ ऑल पे मैं सीओ रू, गाली फाली चल रहा होगा फिलहाल मेरे को जितना पता है। अब देखते क्या होता है गाइस, सब स्कूल उतरना, नो ड्रॉप वेपन्स ठीक है। देखता हूँ कौन, एक बंदा बसता है यहाँ पर, ओपी डाकू क्या आज? ओपी डाकू किधर है? देखो STW है यहाँ पर, डायनो वेनम जेरी शर्मा यहाँ पर, ओपी डाकू ही। तो ओपी डाकू आज क्या बिना ईआर का कुछ कर पाता कि नहीं देखते गाइस, सबके हिसाब। यहाँ पे गाली फाली चल रहा होगा। ओके ब्लैक स्पाइक और ओपी डाकू के बीच में झगड़ा शुरू हो गया यहाँ पे फिलहाल, भाई भाई में झगड़ा होता हुआ, एक दूसरे को गाड़ मारा जा रहा है फिलहाल। ओके मेरे को लग रहा है ना ये लोग गेम में ना कम कॉन्सेंट्रेट करेगा जितना अपने में कर रहा है। तो देखते गाइस स्कूल में कितने बंदे जा रहे फिलहाल, सब स्कूल जाना, मैं बताऊँगा सब स्कूल जाना, एक भी स्कूल के गलत उतरना ही नहीं, गलत उतरना ही नहीं। देखते क्या होता है। ओके फिलहाल प्लेन पर तंदों का जा रहा है, स्कूल तक पहुंचने का पूरा उम्मीद है, बंदे सब आराम से पहुंचेंगे। मैं देखना चाहूँगा यहाँ पर किसको, ओपी डाकू किधर गया? ओपी डाकू नहीं दिख रहा मेरे को, ओपी डाकू वेरी वार। ओके ओपी डाकू यहाँ पे दिख रहा हुआ। चलो यहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई जंप नहीं मारा है। ओके तो ठीक है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 36 प्लेयर इन स्कूल, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। देखते कौन किसको, कौन कौन कितना कौन किसको पेल सकता है। ओके यहाँ पे बंदे ऑलरेडी जंप मार लिए, क्या चल रहा है भाई, ये वेनम क्या कर रहा है? ओके ओपी डाकू फिलहाल जंप मारता हुआ, फिलहाल सब जंप मारा है स्कूल के तरफ। यहाँ पे कोचिकी की तरफ से एक 90 डिग्री का, यहाँ पे सर मेरे ख्याल से 75 या 60 डिग्री का एंगल लिया जा रहा है। देखते क्या होता है स्कूल में, कितने बंदे क्या बूम बम करते देखते हैं। ओके ताला कौन सा टीम होगा जो स्कूल जाएगा? देखो ये पोचके जा रहा है भाई, मजाक चल रहा है भाई, बता दो कोई मेरे को भाई पोचके क्यों भाई, पोचके क्यों भाई, पोचके क्यों, क्या गांडू है भाई सब, स्कूल बुलाया गया या पोचके भाई? कितने स्क्वाड गए, 1 2 3 4 गांड मार रहा है स्कूल भाई पोचके में, ऐसे बंदे कम है भाई पोचके में गांड मारने के लिए, सच्ची बता रहा हूँ भाई, क्या चूती है बंदे भाई। मैं इनको बोला स्कूल उतरने, ये लोग पहुँच के जा रहे हैं ठीक है। यहाँ पर ये गलत लैंडिंग, यहाँ पे गलत लैंडिंग फिलहाल, कहाँ चल गया मैं यहाँ पे STW के पास से। ओके यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे स्मोक मिलता हुआ सबको, यहाँ पे मिस्टीरियस और टीम 25 और यहाँ पे टीम 17 के बीच 13 के बीच फाइट होता हुआ। यहाँ पे टीम IES वर्सेस टीम इग्नाइट, फिलहाल यहाँ पे टीम 13 25 में देखते कौन पहला नॉक निकालता है, और वो ग्रीनाइट किल हो सकता है, मेले किल हो सकता है, देखते क्या होता है। ओके FT मिराकल यहाँ पे एक छोटा सा गली से एकदम अंदर घुसता हुआ, इनके सामने टीम BTS का बंदा होगा, एक नेट कुक होता हुआ फिलहाल। ओके नेट नेट टीम IES नेट कुक करता हुआ यहाँ पे, ओ भाई मार मार साले को मादर चोद, भाई बचा।
ओके यहाँ पर STW इपमैन यहाँ पर कॉन्फर्म होता है फिलहाल, पता नहीं कैसे हुआ पर हुआ है। ओके ओके एक और नेड IS की तरफ से। ओके IS क्राई बॉन्ग यहाँ पर नेड की खोज में इधर उधर फटक रहा है फिलहाल। ओके एक 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 कौन सा नेड है भाई, कहाँ नेड किया भाई, वो स्टन ग्रेनेड। ओके इट्स अ स्टन ग्रेनेड, तो फिलहाल सब कुछ ठीक है। ओके IG बेसू यहाँ पे डैमेज खाते हुए, राउट रॉ टाइगर यहाँ पे सोलो रेवन किधर घुस रहा है पहले बता दो। ओके गाइस यहाँ पे STW हिडन डैमेज खाता हुआ। ओके यहाँ पे यहाँ पे टीम, ओके यहाँ पे HB के भी फाइट हो गया। ओके यहाँ पे HB नॉक होता हुआ, नहीं नहीं HB ने नॉक किया। ओके यहाँ पे गाड़ी से क्यों किसी को ठोक दिया भाई, क्या भाई भाई स्मोक कर रहा है भाई, स्मोक कर रहा है भाई गलत। ओके यहाँ पे बंदे पिला पिली शुरू कर दिया, बेनम यहाँ पे नॉक होता हुआ, बेनम संजय नॉक होता हुआ फिल्म को लग रहा है। ओके यहाँ पे STW हेडन बीस आर्यन वाइट को कंफर्म करता हुआ फिलहाल, गाड़ी से पेला जा रहा है यहाँ पे थ्रोवेल का कोई यूज़ नहीं, यहाँ पे गाड़ी से एक दूसरे को पेला जा रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे वही दिख रहा है मेरे को। ओके यहाँ पे STW प्रकाश यहाँ पे सलमान खान बनते हुए फिलहाल। ओके गाली चल रहा है। ओके यहाँ पे प्रकाश IS के साथ, प्रकाश IS के साथ भाई गलत है। ओ भाई ओ भाई कौन किसको मारने, ओ भाई कौन गांडू है, मीटअप करने का है BTX निंजा यहाँ पे 20 दीपक को नॉक किया, दीपक मर गए 20 दीपक के बस चलते हैं। और गाइस पकड़ इसको, पकड़ दीपक मर गए। ओके पकड़ इसको, पकड़ इसको। ओके यहाँ पे फाइट शुरू हो गया, निकल ओपी ओपी IS की तरफ से, ओपी नेट दिखता हूँ फिलहाल टीम IS की तरफ से। ओके एक और नेट, ओके STW प्रकाश यहाँ पे सबको पेलता हुआ। ओ भाई क्या चल रहा है, ओ भाई क्या चल रहा है भाई, तीन बंदा नॉक चार बंदा नॉक कंफर्म हो गया भाई, चल क्या रहा है यहाँ पे भाई, एक नेड ही नहीं मिला भाई, भाई सच्ची बात है, पूल का बात हुआ था, ये लोग बाहर का है भाई, मेरे को भी नहीं पता क्यों बाहर गया, नेट कर रहा है, नेट कर रहा है, गया 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 मेरा क्या, संजय गया, बचा 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 संजय बचो। ओके यहाँ पे दूसरा नेट है, दूसरा नेट है। ओके भाई गांड मार रहे भाई, मेरे को अंदर होना चाहिए था भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मजा आ गया मेरे को, रोटा कर मारा यार भोसड़ी का, और किधर है मैं हूँ ये बता है, सोलो रेवन आता हुआ, बेनम संजय को पहले देखते क्या होता है। ओके यहाँ पे IS यहाँ पे STW फिलहाल चल रहा है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई BTX वाला खा जाओ खा जाओ, एंटर मार, गाड़ी बैठो गाड़ी बैठो गाड़ी बैठो, ओ भाई बच गया, गाड़ी बैठो गाड़ी बैठो गाड़ी बैठो गाड़ी बैठो, हेलो पीछे भाई घर मार नेट किया, नेट किया भाई, खुद का नेट चला चल जाए। ओके यहाँ पे BTS के बंदे क्लोज होते हुए, गाड़ी में बैठो संजय भैया, संजय भैया गाड़ी में बैठो भाई, मार दिया संजय भैया गाड़ी में बैठो। ओके ओके एक ओके यहाँ पे एक और बंदा STW का हेड है, STW फिनिश होता हुआ, गाड़ी अब गाड़ी चलाइए, अब गाड़ी चलाइए, अब गाड़ी चलाइए, पहले हील कर लो, पहले हील करो, पहले हील कर, हां पहले हील कर, अरे वो देखो मार दिया उसको भाई, बचा उसको भाई, भाई साइड में कर क्या रहा है सब, अरे क्या स्कैन वो भी बनाया मैंने, ओ भाई ओ भाई चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, ओ भाई रे रे संजय यार ड्राइवर चूतिया भाई, हमारा भाई ओपी डाकू है, मारो मारो इसको, इसे कान के पीछे लग जाओ, इसके कान के पीछे लग जाओ भाई, ओपी डाकू, ओ भाई हां ले लो, किसको उड़ाया भाई, किसको उड़याया भाई, अपने टीम को उड़ा दिया भाई, किसको उड़याया भाई, किसको उड़याया, ओ भाई इसको उड़ाओ, उसको उड़ाओ, उसको उड़ाओ भाई, बचा ओ भाई, ये बच गया भाई, गए गए संजय भाई, भागो संजय भाई, भागो नेट आ जाएगा,
ओके जेरी बीटीएक्स निंजा यहाँ पे नॉक होता हुआ, ओके बीटीएक्स रिलीज होता हुआ। ओ भाई गलत, ओ भाई गलत, ओ भाई ओ भाई रिच पे जाके हील करो संजय भाई, रिच पे जाके पहले हील करो, कम से कम हील करो भाई, यही पे गाड़ी पे बैठ के हील कीजिए। टीम आईएस यहाँ पे फिलहाल, और पीछे बंदा देखना, ओके यहाँ पे उल के बंदे यहाँ पे नेट कर रहे हैं, देखो पत्थर पे बंदा, पीछे बंदा, पत्थर पे बंदा पीछे, हेलो किधर बंदा, मेरे को भी नहीं दिख रहा। भाई गाड़ मार दिया भाई, फ्यूल है, उठा भाई गाड़ मार दिया भाई, फ्यूल है भाई, गाड़ मार दिया भाई, भाई जारी शर्मा गया, जारी शर्मा गया, अरे स्कूल वाले, स्कूल वाले, अरे स्कूल वाले, ये रहा, ये ओपी डाकू, वॉच हाउस है ना, वॉच हाउस उसके अंदर, अरे आप गाड़ी में बैठो। ओके यहाँ पे रवि फाइट चल रहा है गाइस, 13 प्लेयर अलाइव। ओ भाई उसी, ओ भाई गलत, भाई गलत, इसके अंदर उसको। ओके यहाँ पे एक्सेप्ट जोकर आता हुआ ठोकते हुए, अरे भाई, ओ भाई किल, ओ भाई, ए ओ भाई गांड मार रहा है भाई, संजय भाई फ्यूल उठाइए ना, फ्यूल उठाइए। ओके ओके यहाँ पे डाकू आता हुआ, एक्सेप्ट सत्यम आता हुआ यहाँ पे क्लोज, बेनम दोसिला तो कहाँ से देखा गाड़ी में बैठ के साला, भाई गलत चल रहा है भाई, सेम उठाइए उठाइए, फ्यूल फ्यूल करिए, फ्यूल करिए, वो भाई ओपी डाकू, फ्यूल करिए, ओपी डाकू लूटने के चक्कर में। हां भाई बहुत तगड़ा मजा आ रहा है, अरे ड्राव आईटी भाई तुम भी हो, यही यही होता। हां भाई यही हूं, यही हूं, यही हूं, यही हूं, मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। रुको रुको रुको, रेड जोन, रेड जोन से, रेड जोन से बचो भाई, मारो भाई गांड मारो, भाई गांड मारो, बीटीएस से गांड मारो यहाँ पे, डेंजर जोन में कहाँ जा रहे हो। ओके ओके यहाँ पे बीटीएस वर्सेस डाइनो का फाइट हो गया गाइस। ओके ओपी डाकू, ओके ओपी डाकू, कुछ लोग कुछ लोग कुछ लोग कुछ लोग कुछ लोग टीम अप कर रहे हैं, टीम आईएस बचा हुआ है भाई, वेनम बचा हुआ है अभी भी, वेनम वेनम किल को ले, क्या बचाया उसको यार। ओके अरे ओपी डाकू, अरे भाई गार्ड में घुस जा भाई, गार्ड में घुस जा भाई, गार्ड में घुस जा ब्रो, ओ भाई का भागो भागो, संजय भाई भागो, संजय भाई भागो, संजय भाई गाड़ी चेंज कीजिए, गाड़ी चेंज कीजिए, आगे जाके गाड़ी चेंज कीजिए। ओके टीम आईएस का प्ले यहां पे ऑलमोस्ट फिनिश हो गया गाइस, बूस्टर मार लो एक को, नेट मिला भाई, दे 2000 वो लोग को भाई, हम लोग को एक ही ना मिला। अरे नेट संजय भाई भागो, और वो गाड़ी वाले के पास कौन कौन है, और कौन कौन रेंडी है भाई, संजय भाग किधर है, मैं पहले बता दो कोई। ओके यहां पे जोकर एक नेट आगे आगे, और बंदा दिख रहा है, बंदा दिख रहा है ऊपर में, वो रिच में, रिच में, रिच में, रॉ टाइगर मर गया, आगे 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 डाकू रेंडी, अबे डाकू के लिए गाना गा रहा थे कॉल पे, आइए जीजी बॉयज बोलती। ओके अभी 9 बंदे जिंदे गाइस, यही लास्ट है, क्या नेड़ी नहीं मिला सच में, यही लास्ट है गाइस, यही लास्ट है, टीम 4 के बंदे भी लाइव है। ओके कौन कौन रंडी बची हुई है, हाय बोलो डाकू रंडी को, हाय बोलो भाई, गलत है भाई ये, गलत है भाई ये, गलत है ये, गलत चल रहा है भाई ये, गाली फाली गलत चल रहा है, ऑल पे स्पाइक है, हेलो ऑल पे स्पाइक है, स्पाइक स्पाइक ब्लैक स्पाइक, अरे लूटेड है तो मर गया, ऑल पे होगा, लूटेड है, लूटेड है ऑल पे, कैसे रहता है मेरे को भी नहीं पता। ओके ये सब जोकर, अबे लड़े डाकू भैंचोद, क्या तू बेइज्जती करा रहा, मार दो पूरी पूरी टीम को मार दे, किधर है भाई डाकू, किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा डाकू, जिंदा है क्या।
ओके ओपी डाकू रंडी जिंदाबाद, डाकू रंडी जिंदाबाद भाई। भाई डाकू कर क्या रहा भाई, पोचकी आया भाई ओके लेने के। भाई भाई पोचकी में डाकू है भाई, पहले जाके उसे डाकू रंडी जिंदाबाद। भाई डाकू को पहले जाके सब ओपी डाकू को। अरे हां ये तो अलग ही फंस गए। वो वाला लूट, वो वाला थोड़ा सामने वाला सेक लूटे ना, उसमें उसमें नहीं लूटा होगा। गाइस जाओ सब जाओ फटाक से, फ्यूल भर ले देगा, फ्यूल भर ले देगा। ओ भाई ये फ्यूल भर रहा है भाई। ओके ओके यहाँ पे पहुंच के जा रहा है फिलहाल। ओके यहाँ पे रोहित शर्मा को पकड़ा गया। ओ भाई मोलोटोल गया, मोलोटोल गया, मोलोटोल गया भाई। बचा बचा भाई, नेड नेड ओके ओके। यहाँ पे रोहित शर्मा को पहला जा रहा है। ओ भाई, ओ भाई अपना टीम को नॉक कर दिया भाई, क्या चूतिया है भाई, भाई क्या चूतिया है भाई, क्या चूतिया है भाई, खुद को मार दिया भाई, ये तो खुद का टीममेट को मार दिया। गाड़ी कितना हेल्थ है गाड़ी का, अच्छा खासा डैमेज लग रहा है। ओके ओके यहाँ पे एक सेफ। ओ भाई क्या नीड है भाई ये। अरे अब हम लोग ने गलती किया भाई, हम लोग सच में अपार्टमेंट ही आना चाहिए था। ओके एक नीड एक। ओ भाई भाई अपनी टीम को पहले जा रहा है भाई, गलत सीन चल रहा है। तो ये भाई जोकर नॉक होता हुआ यहाँ पे, जोकर पे चलते गाइस एक बार। ओके जोकर को मारा जा रहा टीम आईएस की तरफ से, और ये टीम है कौन सा, ये डायनो रेंजर्स साइंगफाइट का शायद। ओके ओके भेनम संजय फिलहाल यहाँ पे अलाइव कर रहा है। वही देखे नहीं, चल ले खोल दिया। ये गाड़ी है भाई, भाई भी उधर 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 मेरे को कुछ दिखा भाई, बंदे है भाई। ये, क्या? ये नीचे है, एक नीचे है। ओ भाई गलत है, बहुत ही गंदा नेट कर रहा है। ओ भाई डायनो रेंजर साइंगफाइट का, ये डायनो है। अरे स्ट्रीम, अरे स्ट्रीम कौन देख रहा है भाई, उसी के अंदर ही तो सब है भाई। भाई ओ भाई मेरा आवाज सुनाई दे रहा भाई, गलत है भाई, ये गलत है। ओके अरे स्ट्रीम कौन देख रहा है भाई, अरे तो स्ट्रीम स्नाइप करने के लिए तो बोला मैं ओपी डाकू पोचकी में जाके पेल पेल ओपी डाकू को, ओपी डाकू को पेल जाके पोचकी में, साला अकेले बैठा हुआ वहां पे, सब पोचकी जा, सब पोचकी जा, पोचकी जा, जो 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 ओपी डाकू को मारेगा उसको 50 रुपए का पेटीएम, जो ओपी डाकू को मारेगा पोचकी में। भाई पोचकी में काम कर रहा, जाके मार उसे भाई, पोचकी जा, पोचकी पोचकी जा सब। पोचकी में ही तो स्क्वाड हाउस, स्क्वाड हाउस, स्क्वाड हाउस, स्क्वाड हाउस में पकड़ा हुआ है, स्क्वाड हाउस में काम कर रहा है। स्क्वाड हाउस भाई, स्क्वाड हाउस में जाना, वो 5 किल किया है, स्क्वाड हाउस में जा सब, स्क्वाड हाउस में जा सब। भाई गलत है भाई, गांड फटेगा देख, अब गांड फटेगा भाई। ये ओपी डाकू सामने वाला चर्च का स्क्वाड हाउस, ठीक है, सामने वाला चर्च वाला। अरे भाई अरे भाई बोल ना, बोल ना, स्क्वाड हाउस वो वाला, स्क्वाड हाउस वो वाला कौन सा बे। अरे सामने चर्च वाला बे, चर्च वाला, चर्च वाला। गाड़ी ले, गाड़ी ले, क्या भाग रहा, गाड़ी के पास इधर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। चर्च के सामने वाला स्क्वाड, हां हां फुल बूस्ट कर लीजिए, फुल बूस्ट, जल्दी घुसो घुसो भाई, जल्दी आ। ओके वेनम के पीछे घुस रहा है, घूम रहा है, मारो 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 डाकू को, जाके मार। हेलो हेलो सब पोचंकी स्क्वाड आ जाओ, जाओ मारो, हेलो पोचंकी स्क्वाड आओ। भाई चूतिया है भाई डाकू, भाई डाकू भाई भाग रहा है इधर से, इधर से भाग रहा, इधर हेलो भाग रहा, भाग रहा चर्च भाई, डाकू चर्च, ओए ओए देख, बार 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 मार 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 साले को, पीछे बंदा है वॉल पे चिल्ला रहा, मार मार यही है, मार मार यही है, यही है, यही है, यही है, मार इसको, मार मार मार,
भाई मार मार साले को, मार 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 साले को, मार साले को, मार साले को, ओके मार 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 भाग रहा है, मार गया भाई, भाई टीम अप कर रहा है, भाई टीम अप कर रहा है, तो ये भाई ये तो भाई जोन छोड़ दे गाड़ी चल बे भाई गाड़ी छोड़ दे गया 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 गाड़ी छोड़ा दो बचा गाड़ी लेने के लिए ओ भाई बाद बाद भाग ओके वन बी वन का फाइट क्या ये नेट से जाएगा ओ भाई गया ओ भाई गया ओ भाई गया ओ भाई गया 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 डाकू गया भाई डाकू गया भाई डाकू का टट्टी ओ भाई मेरे को लगा ये संजय भैया गया मजी के लिए भाई अभी क्या ये नेट से जाएगा ओ पिचल ये बच्चे संजय संजय सामने मार ए मार 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 संजय मार इसको डाइनो 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 रेंजर से मर गया मर गया ओपी डाकू मर गया रॉ टाइगर मर गया नो टाइगर यहाँ पे पोचगी में बंदे पोचगी में बंदे छत पे छत पे चल जा कौन सा बेना में फ्रैंकी है डाइनो है जेरी है कोई टाइगर नहीं है फिलहाल किधर भाई पीछे ओ भाई वो मस्ती कर रहा था ओ भाई मस्ती कर ओ भाई मस्ती कर रहा था भाई हेलो जावाटी वो तो हाँ आ रहा है आवाज आ रहा है ₹50 कुमार भाई हेलो नहीं है भाई अभी पहुंच गए बंदे भाई 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 कोई मस्ती नहीं क्या नहीं जाएगी चलो हेलमेट 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 नहीं चलना है ओके यहाँ पे डाइनो पुश करता हुआ ये गन नहीं उठाइए ये गलत है ये गलत है गन गन नहीं गन नहीं गन नहीं गन नहीं गन नहीं दे देगा चिंता कोई बात नहीं है भाई तो अपना ही है देना पड़ रहा है एक सच्ची बात आ रहा हूँ गलत है भाई बंदे मारना भाई बंदे मार किधर जा रहा है भाई किधर जा रहा है सब भाई बंदे मार भाई बंदे बंदे मारो बंदे बंदे अरे यार बंदे मार 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 ओके नेड यहाँ पे भाग भाई मार भाई भाई कोई बेनम संजय को मार भाई भाई डाइनो तू बेनम को मार मैं बता रहा हूँ देखो 50 रुपया पेटीएम में बता रहा हूँ सही है कब मारेगा कोई कब मारेगा भाई मैं एग्जिट कर दूंगा भाई ऐसे भाई गाली दे रहे टू वी वन वी टू भाई एक्सेप्ट के बंदे कितने चूती है भाई किस चीज का वेट कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा एक्सेप्ट भाई किस चीज का वेट कर रहा है भाई ये भाई मार 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 इसको मार इसको मार
दो बंदे लूट रहे हैं भाई, नेट नेट आया भाई, बच गया भाई। तू गलत चल रहा है, 500 रुपया भाई सच्ची बता रहा भाई, ये लेके जा भाई, इसको लेके जा, इस दोनों को लेके जा। चिकन लेके नहीं गए संजय भाई, चिकन नहीं लेके गए तो भाई हम उनको आईडियल पत्ते आ नहीं सकते। भाई ये लोग भी निकल गए गाड़ी लेके, मारो मारो। ओ भाई बच गया, बच बच गया, बच गया। मजा ले रहा नूबड़े है, नूबड़े है। अरे अभी खेल ही रहे हैं, जब कहता लाइव स्ट्रीम नहीं देख रहा है तू, पता चलता है। अरे मारो, अब होगा भाई, मार भाई मार भाई, गांड मार। वो मजा नहीं ले रहा, वो गाड़ी में चढ़ने का कोशिश कर रहा है भाई, उसमें आ लो। हां नहीं, फोन भी थ्रोएबल अब उसके बाद बताएगा, और रूम काटोगे उन लोगों के पास तो बताएगा। उसका पिंग हाई है, उसका पिंग हाई है, उसका पिंग हाई है, उसका पिंग हाई है। क्या ही मजा आ रहा है भाई, क्या ही मजा आ रहा है भाई। मार कोई भाई, इसको मार तो सही। सुन ना, पैसों को पता कौन फिर किया, फिर से अपना लॉट आएगा था। वो गेट इन करने का भी कोशिश कर रहा है वो, पता है तेरी गाड़ी में, नवीन की गाड़ी में। हां वो पर, अरे हां ओके भाई, कौन भाई, कौन भाई, भाई कौन है ये, कौन है भाई, अलाउ भाई, अलाउ नहीं है भाई, बेनाम करके रहे, बेनाम मत कर भाई। हाँ हाँ, गन निकालने बोलो भाई, भाई गन मत निकाल, बेनाम नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा, नहीं निकाल रहा गन, नहीं निकाल रहा बंदा, नहीं निकालेगा गन ये वाला, ठीक है। लाइव स्ट्रीम पे बोल रहा था डायरेक्ट, संजय को मार, 50 रुपए तेरे पास चल जाएगा, संजय को मार भाई, क्या भाई बहुत गलत ही नेट है भाई। ओ भाई क्या कर रहा है, ओ भाई भेनम, ओ भेनम मत मार भाई, गांड मार दूंगा, बता रहा हूँ समझा, पता चलेगा। अबे गन उठा के रखे तो, अरे घरे लाओ भाई, क्या लंड है भाई, गन क्यों उठा रहा है भाई, बेना मत चला भाई, बेना मत चला, बता रहा हूँ मत चला भाई। ये देखो भाई, क्या भाई, क्या भाई, गांडू है भाई, सच्ची बता रहा हूँ भाई, मना किया देखिए चलाया जा रहा है भाई, बेना मत चला भाई, भोसरी के छोटा ही सर्कल है, 2v2 का फाइट है, कर ले खिल ले आराम से। भाई ये डाउन डाइनो तो तब से छुपे ही हुए भाई, सच्ची बता रहा हूँ भाई, बेनम संजय को, भाई बेनम संजय को टारगेट किया गया भाई, गलत भाई, शर्म नहीं आ रही, सच्ची बता रहा भाई, मैच में ग्रोजा तो चलता नहीं है साले से, अभी ग्रोजा चला रहा है, ग्रोजा चलाता है ना तो लास्ट में जो ड्रॉप आएगा वो लेके इस्तेमाल में। ओके यहाँ पे सोमिया, यार 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 इंजेक्शन मार रहे थे, हिल बैठ बैठ ना, हिल है ना, हिल बैठ बैठ। यहाँ पे फ्रैंकी स्पॉट, टीम 25 स्पॉट हुआ है भाई, ये तो भाई संजय के पीछे पर याद हो के भाई, एक तरफ ओ भाई गलत है भाई, ये और हम लोग इनके पीछे क्यों आ रहे हैं, वहां पे दो बंदे थे उनको क्यों मारा। ओ भाई मार भाई, भाई भाई ब्रोजा मत चला, ब्रो ब्रोजा मत चला भाई, मत ब्रोजा काहे चला भाई, चला क्यों रहा है तो बोल रहा हूं इसको भाई, चला भाई मार तो सही, क्या कर रहा है, मार भाई क्या कर रहा है, मैं देखता था कौन सा टीम है।
भाई मार कोई नेट से मार भाई, क्या कर रहा है भाई, पीछे हाथ धो के पड़ गया भाई, मार तो रहा नहीं रहा है, मार तो पा नहीं रहा, ये तो पीछे हाथ धो के पड़ गया है भाई, मार तो दे भाई एटलीस्ट भाई, सच्ची भाई चूतिया कर रहा है, चूतिया पर काट रहा है सबका। ओके यहाँ पे ड्राइविंग सीट चेंज हुआ फिलहाल, ड्रॉप लोड नेट गाड़ी आई है, ड्रॉप लोड नेट गाड़ी आई है, नेट खींच रहा ये साइड नेट में जाएगा मेरे को लग रहा है। अरे यार बचा बचा यार, अरे ये एक्सेप्ट वाला बंदा है, उनके पास नेट नहीं है शायद, ये देखो अभी उसके पीछे लग गया। ओ भाई दो ट्वीट तुम्हारे पीछे लग गए भाई, भाई संजय का बनवाएगा देना, संजय का बनवाएगा देखा, नहीं नहीं दोनों अलग अलग टीम भाई, भाई बनवाएगा किसी का बता रहा है, अरे 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 भाई गिरा दे भाई, गिरा दे गिरा दे भाई, गिरा दे भाई, गिरा दे भाई, भाई गिरा दे भाई, 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 भाई गिरा दे भाई, गया गया एक से फ्रैंक ही गया भाई, फ्रैंक हाथ डाले, हाथ डाले बहुत लेके, हाथ डाले बहुत लेके, फ्रैंक ही नॉट भाई, गिरा गिरा गाड़ी, गिरा सबसे बेस्ट गाड़ी, गिरा एक नॉक आप गिराइए ना, अब नेट मारिए, नेट मारिए आपके लिए भाई, भाई किसको गिरा रहा भाई बता तू भाई, भाई कोई मार भाई, अभी टू भी वन भी, अरे आप ये कर रहे हैं ना, आप स्टैंड ब्लाइंड कर रहे हैं, आप स्टैंड ब्लाइंड कर रहे हैं। ओके यहाँ पे जारी, यहाँ पे जारी किल निकालने के लिए आ गए हैं फिलहाल। भाई भाई ड्रोन के बाहर मत जा, ड्रोन के बाहर मत जा, ड्रोन ना, ड्रोन ना, ऑटो वाला भैया, भाई वो रिवाइव दोनों का चिकन है, वो रिवाइव देने आया है, टीममेट को ले पहले, वो रिवाइव दे रहा है, टीममेट बाहर है, वो रिवाइव देने जा रहा भाई, भाई रिवाइव नहीं फिर, वो तीन नहीं रे वो बाहर है, अबे लौटे लग जाएंगे भाई, ये बहुत वाला फिर वाला आ रहा है भाई, भाई भाई अपने टीम को नहीं ले रहा भाई, क्या चूतिया है भाई, भाई गया भाई, भाई गया, भाई गया भाई, उतर के मार भाई, मार मार संजय भैया, हेलो किसके साथ टीम अप किया, हेलो नेट कर रहा, नेट कर रहा, टीम अप किसके साथ, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, उसको उसको फिनिश करो, उसको फिनिश करो, नेट बचाए रखो, फोटो फोटो डायरेक्ट, नहीं नहीं आगे फोटो, आगे भाई क्या बात, अरे अरे चिकन डिनर बोलते हैं, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, हो गया था जेविया, नाइस स्कैम हुआ भाई, स्कैम क्या बोलते हैं ब्रो, भाई स्कैम हुआ, दिस इज बिहेवियर ब्रो, भाई स्कैम हुआ है भाई, बता रहा हूँ सच्ची बता रहा हूँ भाई, जो स्कैम हुआ है, नाइस, अरे नहीं टीम अप करके निकाल के भाई, ये अब इसमें भी, अब इसमें भी बीटीएक्स वाले बोले कि हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है भाई, बीटी भाई गलत, भाई गलत, गाइस बताओ एक बार खेलना है क्या, क्या जा वाइटी मेरे को मरवा दिया भाई, मैं आगे ही बोला था भाई टारगेट करूंगा, ठीक है मैं आगे बताते मस्ती के लिए टारगेट करूंगा, जो सब टीम कैम करेगा टारगेट करूंगा, सीन वही था और कुछ नहीं था, मैं आगे बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा तो, ठीक है तो गाइस एक और करवाना है, बताओ एक और करवाना है क्या, पूछता हूँ बुला के भाई, वेनम 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 क्या ग्रोजा लेके क्या गाड़ मार रहा था, नेड मारेगा भाई, तिलो ग्रोजा लेके कर क्या रहा था तिलो, अबे वही तो वेनम नूब भाई, नूब बोल भाई, भाई नूब भाई, नहीं वो एक रुक जा, मैं पूछता हूं क्लान में और एक करवाना है क्या, नहीं रुक जा पूछता हूं भाई, बहुत कम बंदा आ रहा है, जब अच्छा बंदा आए भाई तब ज्यादा मजा आएगा भाई, मजा आया भाई तो भी मजा आया, मैं बता रहा हूं ना जोसेफ खेला भाई, उन लोग बहुत तेल लोग तो भाई क्या भाई चूतिया ऐसा पोची की मैं आगे लूट रहा था भाई, तू लोग वहां स्कूल में रहेगा तब ना भाई, स्कूल में भाई बहुत मजा आया भाई, अबे मेरा नेट नहीं चल रहा भाई, नेट नहीं चल रहा इसीलिए, नहीं तो हम लोग फाइट लेना चाहता, नेट नहीं चल रहा मेरा, तुम देखा हम टेलीपोर्ट हो रहा था, हां देखा देखा, रुक पूछता हूं और एक करवाना है कि नहीं, एक
मुझे धोखा देती है। ओ भाई रोहित गुस्सा हो रहा है। ओ भाई गलत भाई डाकू आता हुआ। अरे बना दो जाओ भाई। हाँ बना रहा हूँ, कैसा लगा बताओ? टारगेट कैसा लगा पहले बताओ, टारगेट कैसा लगा? अरे भैया टारगेट टारगेट लगा के रखे थे हमको, मालूम था। हाँ भाई भाई देख भाई, डीपी डाकू को मारने में मजा आ रहा था सबको, इसलिए टारगेट कर दिया। जाओ मारो सब। डीपी डाकू, ओपी डाकू, सॉरी ओपी डाकू, डाकू ओपी डाकू, डीपी डाकू भाई नाम। मजा आया ना। और बात सुनो ना, बीटीएस का ना क्या बोलता है इंटरव्यू, ठीक है? कितना बजे बता रहा हूँ, 8:40 को, ठीक है? आप लोग रहना, ठीक है? लॉबी में, ठीक है? अभी एक बनाता हूँ, ठीक है? बना के बोलता हूँ, चलो। हाँ एक और बनाओ, एक और बनाओ, मजा आएगा। चलो गाइस एक और बना देते फटाक से, रुको कहाँ गया? मिस्टीरियस को बोल देता हूँ जो बना रहा हूँ। कहाँ गया मिस्टीरियस? जिंदा है मर गया? जोकर नहीं दिख रहा मेरे को, जोकर किधर है? रंजे एक और बना, रंजे एक और बना दे बस, एक और बस। हाँ तो क्या बनाओ, व्हीकल मिली ते बता क्या अच्छा रहेगा। हाँ सुना, बोल फ्रैंकी बोल। हाँ बोल, हाँ बोल, अभी क्या बना रहा है? मिली वही बोल क्या करना है। मेले तो नहीं करूंगा, मेले बोरिंग हो जाएगा, पैन वाला फाइट बोरिंग हो जाएगा। थ्रोरेबल रख यही, वरना व्हीकल रख। क्या रख, बोल क्या करेगा? बोल रंजे बोल क्या करेगा। अभी तो वही तो हुआ, क्या करेगा तुम? अभी वही हुआ, फिर बोरिंग हो जाएगा। व्हीकल कर लेते, व्हीकल कर लेते, थ्रोएबल लॉक हो जाएगा उसमें। हाँ थ्रोएबल ऑफ हो जाएगा, लॉक होगा रूम में। क्या करना बोल, किसमें मजा आएगा बता, तू बता बस। व्हीकल करेगा क्या करे बता तू, वही वाला करे। अबे भाई मिली रखेगा तो देख जल्दी खत्म होगा, मिली रखेगा तेरे को जैसे बोल। नहीं तू बता, जोकर बता तेरे को कौन सा मजा आएगा, फिर से बता और बोला जाए तो। चलो भी बोल, मैं तो नेट ही नहीं चल रहा, तो खेल ही नहीं पा रहा। बता बता, फ्रैंकी बोला, इत्या बोल। मेरा मानना है तो मिली का होना चाहिए, कहे की गाड़ी तो हो गया, गाड़ी और थ्रोबल दोनों हो मिली का ही करता। मेले और व्हीकल कर देता, मेले मेले और व्हीकल तो रहेगा ही, मेले कर देता, मेले और व्हीकल, ठीक है? हां ठीक है, मेले 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 कर दे, थ्रोबल तब बंद कर देगा। हां थ्रोबल बंद कर दे, हां बंद कर देना, कर दे कर दे। चलो मिली और व्हीकल और थ्रोबल जीरो, हेलमेट वाइज जीरो। अब बात सुन ना, ड्रॉप गन कोई नहीं उतारे उठाएगा, तेलो के मतलब बस खाली भेना में उठाया था, चला रहा था, वरना कोई नहीं उठाया था। ए सुन बेनम को, अगर बेनम मस्ती के लिए कोई किसी डैमेज नहीं दिया, नहीं ठीक है। बात सुन बात सुन बात सुन, देख डराने के लिए कर रहा, ओ बंदे लोग लगा उसे मार रहा है, इसलिए बात सुनते ना, बना के आईडी पासवर्ड डाल दे। और क्या बोल रहा हूँ, सब स्कूल में उतरना, ठीक है? जल्दी फाइट एंड होगा, ठीक है? और कोई 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 बंदा अगर कोई कहीं कोपची में काम कर रहा होगा तो मैं ऑनेस्टली बता दूंगा, उसको जाकर पेल देना। अबे ये सबके लिए पैन मिलेगा यार? हाँ मिल मिल जाएगा स्कूल में भाई, तू उतरना ना, जैसा मन उतर। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मर जा मर जा मर जा बना, मर जा जा मर जा, तू बना रंजा बना, ठीक है? एक को तो मरना पड़ेगा ही ना भाई, गन फाइट होगा, पैन फाइट होगा, और क्या आगे गन फाइट होता है, पैन फाइट होगा, ठीक है? बना जल्दी वाला, ठीक है? बना क्या, ठीक है? गाइस ये थोड़ा गेम रेस था सबके तरफ से, तो कोई भी माइंड मत करना, ठीक है? आगे बता रहा हूँ। इफ देयर एनी स्क्वाड हु नीड अ मेंबर, ऐड मी अग्रेसिव प्लेयर आईजीएन मिनिमाइज। ओके ओके सर, बिग फैन। भाई ये कौन है भाई?
और गाइस जिन जिन का इंटरव्यू है देखो ये आईडी है, फटाक से एक काम करो प्रोफाइल में भेज देना ठीक है, बीटीएक्स हुआ उसके बाद इग्नाइट हुआ और आईएएस ठीक है। तो गाइस फटाक से जाके आप लोग आईडी भेज दो, अभी ऑलमोस्ट 7:13 हो रहा है, ये मैच जब एंड होगा उसके बाद से इंटरव्यू शुरू होगा, ये मैच के बाद इंटरव्यू शुरू होगा ठीक है सब टीम का। अपना कैरेक्टर आईडी बताओ मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट, अरे भाई ये गलत है भाई, हेलो भाई हेलो हेलो कस्टम हो रहा है ज्वाइन कर, कस्टम हो रहा है ज्वाइन करो पटेल, क्या हो भाई कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ, हेलो हेलो पटेल हेलो कस्टम हो रहा है स्ट्रीम में देख लो ज्वाइन कर लो, किधर गया कम इन स्लॉट नंबर 20 कस्टम हो रहा है ज्वाइन करो ज्वाइन करो सॉरी भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ, सॉरी यार क्या हो रहा है भाई, गलत ही बंदा घर में शायद, क्या हुआ भाई जोकर का बना नहीं, साल लगा रहा बनाने में, बन ही रहा अभी तक बन ही रहा भाई, चलो भाई संजय संजय ने स्कैम किया है। गाइस एक बार स्टैंडिंग बोल देता हम लोग का, ओवरऑल स्टैंडिंग जो है ग्रुप ए का, इंडियन ई स्पोर्ट ग्रुप ए से 92 points लेके #1 पे, RMB #2 पे 79 पॉइंट्स के साथ, उसके साथ साथ थर्ड में जाता हुआ UDX विथ 60 पॉइंट, फोर्थ में आउटलैंडर्स विथ 57 पॉइंट्स, फाइव में क्रांतिकारी विथ 57 पॉइंट्स, क्रांतिकारी विथ 53 पॉइंट्स, #6 में जाता हुआ PWM 45 पॉइंट के साथ, उसके बाद सेवेंथ में ओवर अचीवर फिनिश कर रहा है 42 पॉइंट के साथ, एइथ में चड्डी गैंग फिनिश करता है 40 पॉइंट्स के साथ, नाइन्थ में IG डोमिनेटर्स विथ 33 पॉइंट्स, उसके बाद टेंथ में टीम यूनाइटेड विथ 30 पॉइंट्स, उसके बाद 11 में STW विथ 23 पॉइंट्स, 12 में हॉरक्रॉस गेमिंग विथ 23 पॉइंट्स, 13 में सिनिस्टर 69 विथ 21 पॉइंट्स, 14 में बिग साइज विथ 20 पॉइंट्स, 15 में इंसेन विथ 17 पॉइंट्स, 16 में DNC विथ 16 पॉइंट, 17 में बॉर्वाद विथ 70 पॉइंट, 90-20 छोड़ दो के काम का नहीं ग्रुप, और यहाँ पे ग्रुप बी का एक बार डिस्कस करें तो यहाँ पे #1 पे इग्नाइट सबसे बड़ा लीड लेके 104 पॉइंट के साथ, ओके यहाँ पे आईडी पासवर्ड आ गया, पहले ज्वाइन करना था पहले वरना सीन हो जाएगा, गलत सीन हो जाएगा कोई और ज्वाइन करके बैठ जाएगा, 5289712 पासवर्ड 1234 भाई क्या हुआ, ओके मैं आ गया, ओके गाइस रूम बन गया, फटाक से ऑन कर लो, कितना बज रहा है ये 7:30 को स्टार्ट होगा, ओके और यहाँ पर गाइस हम लोग का सेकेंड बैग में BTX फिनिश करता हुआ 77 पॉइंट्स, पता नहीं दो दिन का पुअर परफॉर्मेंस था इसलिए 77 में फिनिश हो रहे हैं, #3 पर आई एम ऑफिशियल जाता हुआ 68 पॉइंट के साथ, #4 में TX ऑल स्टार विथ 68 पॉइंट, #5 में ओवर पावर विथ 57 पॉइंट्स, #6 में कॉल मी गॉड विथ 53 पॉइंट्स, #7 में डाइनो रेंजर्स विथ 47 पॉइंट, #8 में मिस्टर ई स्पोर्ट आर्यन के बंदे विथ 45 पॉइंट, #9 में क्रेजी किलर विथ 40 पॉइंट्स, #10 में आर्डी वॉश विथ 31 पॉइंट्स, #11 में NBD विथ 31 पॉइंट्स, और सब जो बंदे लोग क्वालिफाई कर नहीं रहे तो बोल के फायदा नहीं गाइस, तो यही 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 तक रहने देते हैं,
उसके बाद गाइज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं अपने वाइल्ड कार्ड टीम्स का. तो वाइल्ड कार्ड टीम्स हम लोग का सैंक्फाइड ऑफिशियल है, टीम एक्सएफ है थर्ड, और इसके साथ एसटीडब्ल्यू है, और उसके बाद मिस्टर ईस्पोर्ट दीपक का बंदे हैं, दीपक के लाइनअप है, और हैशटैग और फिफ्थ में एनबीडी है जो 31 पॉइंट्स के चक्कर में क्वालिफाई नहीं कर पाया, 11 में फिनिश किया. ये मोनू क्या कर रहा है भाई, ग्रुप में गलत ही है भाई. मोनू क्या कर रहा है भाई, प्रोमोट क्यों कर रहे हो मोनू तुम, हो जाएगा सब ठीक है. गलती चीज़ है. ओके ग्रुप बी को लेकर कुछ बात होने, ग्रुप बी का स्टैंडिंग बताओ भाई. ओके ग्रुप बी का स्टैंडिंग वंस अगेन, ग्रुप बी में हैशटैग वन पे फिनिश करता हूँ इग्नाइट्स विथ 104 पॉइंट्स, 104 पॉइंट के साथ, 104 पॉइंट के साथ बड़ा लीड लेके. उसके बाद हैशटैग टू पे बीटीएक्स फिनिश करता हुआ विथ 77 पॉइंट, उसके बाद हैशटैग थ्री पे आई एम ऑफिशियल फिनिश करता हुआ विथ 68 पॉइंट्स, हैशटैग फोर में टीएक्स ऑल स्टार विथ 68 पॉइंट्स, हैशटैग फाइव में ओवर पावर विथ 57 पॉइंट, हैशटैग सिक्स में कॉल मी गॉड विथ 53 पॉइंट्स, हैशटैग सेवन में डायनो रेंजर्स विथ 47 पॉइंट्स, हैशटैग एट में मिस्टर ई स्पोर्ट आर्यन का बंदा आर्यन के लाइनअप विथ 45 पॉइंट, हैशटैग नाइन में क्रेजी किलर विथ 40 पॉइंट्स, हैशटैग टेन में हार्डी बॉयज विथ 31 पॉइंट्स, हैशटैग 11 में एनबीडी विथ 31, हैशटैग 12 में राजनाथ बॉयज राजमात बॉयज विथ 27 पॉइंट, हैशटैग 13 में उल के बंदे सॉरी, हैशटैग 15 में द हेड 14 में द हेड एंटिटी विथ 23 पॉइंट्स, हैशटैग 15 में फोनिक्स स्क्वाड विथ 20 पॉइंट्स, और 16 में डेमोलाइजर्स विथ 16 पॉइंट. उसके सब छोड़ दो बाहर हो जाए और सब, तो चलो गाइस फटाक से ज्वाइन कर लो. भाई स्टार्टिंग टाइम है 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, 7:30 स्टार्टिंग टाइम, 7:30 स्टार्टिंग टाइम है गाइस. भाई ये मोनू माल फूक क्या है, मेरे को लग रहा है भाई गन नहीं है भाई, ओनली मेले और व्हीकल है, गन फन कुछ नहीं है. मैं भी सोच रहा किसी का ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर बाद में ना मेरे को दिखलाने में प्रॉब्लम होगा, सोच रहा था. ओके चलो गाइस कुछ ही पल में स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बाद ही गाइस इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है हम लोग का, जो होने वाला है बीटीएक्स पहला टीम जो इग्नाइट बड़ा लीड, ओवरऑल स्टैंडिंग देखेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी का, तो बी यहाँ पर टीम इग्नाइट्स 104 पॉइंट के साथ. भाई दो मैच में ये लोग ऐसा खेला है जो इनको इतना बड़ा लीड मिल गया, दो ही मैच, एक मीरामार था और एक लास्ट रियांगल था, जिसमें ये लोग इतना बड़ा लीड लिया भाई क्या बताओ. ऑलमोस्ट कितना 30 पॉइंट्स का लीड है मेरे ख्याल से, कितना पॉइंट का लीड है 20 कितना 27 हाँ 27 शायद हाँ 27 का लीड है भाई, गलत ही है भाई, गलत लीड है. उसके बाद आई एम ऑफिशियल जाता हुआ बी टी एक्स, आई डोंट नो व्हाई क्या हुआ, किन क्या हुआ इनके साथ, देखते क्या होता है फिलहाल.
वाइल्ड कार्ड का नाम बता दिया हूँ मैं, फिर से बोलना चाहूँगा, वाइल्ड कार्ड में हम लोग का सैंक्फाइड ऑफिशियल है, टीम एक्सेफ है, एसटीडब्ल्यू है, मिस्टर ईस्पोर्ट का दीपक का लाइनअप है, और एनबीडी का बंदे। एनबीडी को क्यों दिया गया, क्योंकि वो लोग कुछ 10 उन लोग का टाई हुआ था 10th एंड 11th पोजीशन में ग्रुप बी में, तो इसलिए मैं सोचा उन लोग मेरे पास एक और मतलब एक और स्लॉट था, तो मैं सोचा क्यों नहीं इनको दिया जाए, क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर ही लिया था, ठीक है, बस स्किल्स के लिए या फिर हार्डी बॉयज को क्वालिफाई किया गया था, तो मैं सोचा कुछ अनजस्टिस हो जाएगा, तो इसलिए एनबीडी को दे दिया, और यहाँ पे जब स्लॉट खाली था तो दे सकते हैं, 25 स्लॉट है, यहाँ पर अगर कुछ टीम फॉल बैक करते तो एक और अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा किसी और टीम को, ठीक है, तो देखते क्या होता है। फिलहाल सब ज्वाइन करो फटाक से। प्ले रिंग स्पीड साउंड ये ठीक है, ऑटो पिकअप ये डिसेबल, ये क्या किया है, एम एसिस डिसेबल, स्नाइपर स्नाइपर मेले वेपन इंटू थ्री, ओके इंटू थ्री जीरो, ये क्या है, फर्स्ट एड किट मेट किट, ये सब इंटू थ्री है, ठीक है, फ्यूल इंटू थ्री, ठीक है, बैकपैक इंटू जीरो जीरो, ओके जीरो 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 जीरो, ओके अदर भी जीरो है, सही है, बस खाली कुछ चीज़ गड़बड़ है, जैसे ऑटो डे ये सब एम एस एस डिसेबल, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फायर आर्म्स गाइस, 5 मिनट टू गो, डू इट फास्ट। ये एक हम लोग का मतलब मैं चाहता था हम लोग क्वालिफाइंग डे के बाद जो कुछ टीम जो जैसा पॉइंट हो वो लोग को थोड़ा अच्छा एक अर्ली एग्जिट मतलब अच्छा एक वो क्या बोलते हैं एग्जिट दे, तो इसलिए मैं किया, और कोई रीज़न नहीं है, और जो क्वालिफाई किया उन लोग के साथ एक अच्छा कॉन्फिडेंट के साथ फाइनल खेलेगा। भाई जो उल्टा फुल्टा करेगा उसका मैं गन से मार दूंगा, बच कर रहना। स्कूल ही उतरना है सबको, सबको स्कूल उतरना है। 3 मिनट बचा है, रंजे स्टार्ट कर देना, ठीक है, 3 मिनट में। निंजा कब्डे में मोदी जी कौन है, निंजा कब्दे में मोदी जी किधर है, वो ये वाला मोदी जी, ओके ओके। यहाँ पर एक नया प्लेयर ज्वाइन करता हुआ ओपी डाकू को, मोदी जी बोलते, आई एम ऑफिशियल यहाँ पे दिख रहा है फिलहाल, आइंडी अंकित डेंजर हरीश और करस के बंदे, टीम आईएस भी फिलहाल है यहाँ पे, एक्सेप्ट के बंदे, टीडी के बंदे, बिक्की फिक्की सब है। चलो
बोलता हूँ बैट बैक 3x करने कहाँ गया रैंचो ओके यहाँ पे बैक 3x मैं क्या सेटिंग चेंज कर सकता हूँ लेट मी चेक वंस भाई गरम हो गया क्या मोबाइल डिवाइस मेरा रुक जा चेक करने दे किधर गया भाई डिफॉल्ट नहीं होगा छोड़ मेरे से नहीं होगा चेंज फालतू बात वो छेड़छाड़ करने दूंगा चलो गाइस वन लेवल का बैक अलाउ है स्टार्टिंग ओके स्टार्टिंग स्टार्टिंग लेट्स गो चल शुरू कर दे हाँ चलो गाइस स्टार्ट हो रहा है चलो शुरू करते हैं कर दे स्टार्ट चलो गाइस स्टार्ट हो रहा है चलो रूम में चलते फटाक से मैं भी सोचा था किसी का ज्वाइन कर लेना पर क्या करूं कास्टिंग मजबूरी क्या फिर से एक और मजबूरी मजा आता भाई खेलने में ओके रुकने बोल रहा है मेरे को कौन आने वाला है एक्सेप्ट का तो सब आया हुआ है स्टार्ट कर रंजय भाई क्या कर रहा है मैं गाली दूंगा तेरे को स्टार्ट कर फटक से कर कर स्टार्ट कर स्टार्ट कर 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 चलो गाइस स्टार्ट कर दे ब्रो चलो गाइस स्टार्ट हो गया कितना मिनट डिले था एक मिनट डिले चलो देखते स्कूल में क्या आज का फाइट फिर से एक बार शुरू करते बकचोदी गाइस सभी ऑल पे रख के गाली देना चलो यहाँ पर हमें बिक्की दिख रहा फिलहाल ओके बिक्की करना कैसे था बिक्की ओके ओपी डाकू फिर से चलते ओपी डाकू की तरफ फिर से ओपी डाकू को टारगेट करते हैं गाइस ये देख लो ये ओपी डाकू का क्लोथ आउटफिट जिसे बोलते हैं हम लोग सब देख लो ओपी डाकू को टारगेट करना है सबको गाइस भीनम संजय को टारगेट करना है सबको ठीक है सिंपल सा बंदा इस बार ओपी डाकू को छोड़ दे रहे हम लोग भीनम संजय किधर गया लास्ट टाइम जिसने स्कैम किया था चलते भीनम संजय के पास एक बार
गाइस सब भीनम संजय को टारगेट करो, सब 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 भीनम संजय को टारगेट करने का। ओके हम लोग का प्लेन पाथ एकदम स्कूल का बगल से एकदम जाता हुआ। गाइस जाओ भीनम, भीनम संजय को मैं पॉइजन बताते रहूंगा, आप लोग आराम से जाके उसको बूम बाम करना। लास्ट टाइम भीनम ने स्कैम किया था, इस बार ना हो सके स्कैम। आईजी मामबा बेसु मिस्टीरियस निकल रहे। ओके मिस्टीरियस का एक लाइन अप है। ओके एक और है, चलो गाइस यहाँ पे स्कूल में एक भी बंदा यहाँ पे फिलहाल पहुंच के भी नहीं गया, जैसा लास्ट का सीन था। सब स्कूल उतरने वाला। ओके यहाँ पे जम मार लिया भीनम संजय, जम मारता हुआ सबसे आगे, देखते कौन सबसे आगे पहुंचता है। फिलहाल तो भीनम संजय मेरे को सबसे आगे दिख रहा है। ओके ओके रोजोक कौन जा रहा है भाई, क्या चूतिया है भाई, टीम बीटीएस रोजोक जा रहा है भाई, गलत सीन है भाई। भाई यार अद्भुत, टीम आईएस रोजोक जा रहा है भाई, गलत भाई, भाई गलत है भाई। ठीक है गाइस हम लोग का फाइट स्टार्ट हो गया, फाइट स्टार्ट होने वाला कुछ ही पल में, देखते क्या होता है। ओके ये लोग अपार्टमेंट जा रहा है मेरे ख्याल से, शायद अपार्टमेंट जाएगा, या दे आर गोइंग फॉर अपार्टमेंट। तो इन पे फाइट दिखलाना कोई फालतू बात है। ओके अपार्टमेंट में एक दो तीन चार पाँच, भाई इसमें तो कोई नहीं है भाई, एसटीडब्ल्यू के पास चलते रुको एसटीडब्ल्यू। ओके यहाँ पर मेले मिल गया फिलहाल, यहाँ पे मिस्टर मोनू यहाँ पे खड़ा होता हुआ, मिस्टर मोनू के साथ स्टार्ट हो गया फाइट। अभी भाई फाइट शुरू हो गया भाई, मोनू डैमेज हो गया, मैं भागते हुआ फैस्ट हो भाई, गलत भाई, गांठ फटी साली मोनू की, गांठ फटी भाई, भाग के सरा देख, जहाँ भाग रहा वहाँ भी बंदे है भाई। ओके नहीं अपने बंदे के पास भाग रहा है। ओके टीम 13 के पास, टीम आईएस के पास गया भाई, भाई आईएस वर्सेस टीम 15 होगा भाई देख। ओके यहाँ पे हॉरक्रॉस के बंदे फाइट स्टार्ट कर दिया, देखते हैं। ओके हिडन ओके इपमैन के पास पैन मिल गया फिलहाल, तो देखते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पे। ओके यहाँ पे इपमैन, यहाँ पे बंदे, ओके यहाँ पे मिला पैन, लगा लग मार, लग मार का भूसरा भाई, बचा हुआ है भाई, मार साले को, मार मार, लगा लगा मार साले को, तीन बंदे एक साथ गांड मार रहे सबका, मार साले को, मार मार डैमेज का है, मार उसको हॉरक्रॉस को, मार डैमेज का है, मार भाई, भाग कैसे रहा भाई, भाई गया गया नॉक हुआ, जंप मार के नॉक हुआ, बच गया भाई, भाई बच गया भाई, गलत है भाई, मार मार मार। ओके यहाँ पे फर्स्ट बच गया, यहाँ पे हाथ धो के पीछे इधर गया। ओके यहाँ पे बंदे, ओ भाई मर गया भाई, मरा भाई, मरा भाई, नॉक हुआ भाई, नॉक हुआ भाई, एसटीडब्ल्यू पे बिक्की यहाँ पे नॉक होता हुआ एसटीडब्ल्यू का भाई, बाहर भाई कौन गाड़ी लेके बिल। ओके टीम आईएस गाड़ी लेके शुरू हो गया। ओके यहाँ पे एसटीडब्ल्यू इपमैन यहाँ पे अमन यादव को नॉक करता हुआ। ओके यहाँ पे अमन यादव पैसल थे गाइस एक बार। ओके यहाँ पर एसटीडब्ल्यू फिलहाल हील करके। ओके यहाँ पे मिस्ट्रियस ने नॉक किया एक बंदा को, मिस्ट्रियस पर चलते एक बार। ओके यहाँ पे मिस्ट्रियस का यहाँ पे सब लॉन्डे मिल गाड़ मार रहे हैं भाई, भाई गाड़ मार रहे हैं भाई, सच्ची मिस्ट्रियस से गाड़ मारा गया यहाँ पे मिस्ट्रियस अपने पेट पे हाथ देके चार बंदे मिलके से गाड़ मारा। ओके संजय यहाँ पे रहो भाई, भाई संजय गाड़ मारा है भाई, भाई संजय गाड़ मारा है भाई, टीम अप कर रहा है संजय भाई, गाड़ मारा है भाई, गलत भाई, गलत भाई, भाई संजय गाड़ मारा भाई, भाई केएल बाबा। ओके केएल बाबा यहाँ पे रिवाइव देता हुआ। ओके यहाँ पे टीम अप हो रहा है, गांड मारूंगा देख, टीम अप कर रहा है भाई सब, भाई टीम अप कर रहा है भाई, मार थले को, मार नॉक कर, भाई टीम अप नहीं चलेगा, भाई टीम अप नहीं चलेगा भाई, भाई मिस्ट्रियस या फिर से गांड मारने के लिए जाया जा रहा। ओ ये केएल बाबा नॉक होते हुए यहाँ पे फिर से और मजा ले रहा है। ओके यार मिस्ट्रियस डील करता हूँ। ओके यहाँ पे बाबा का यहाँ पे सब मारेगा, तुम देखो बस कैसे मारेगा। ओ भाई यहाँ पे टीम, अरे ये अपना टीममेट है भाई, इनके को मत मारे, अपना टीममेट है। ओके बंदे यहाँ पे टीम अप कर रहे हैं, यहाँ पे बंदे का टीम अप नहीं होगा गाइस, टीम 24 को मारो, भीनम संजय को मारो। ओके यहाँ पे सप्रेसर को यहाँ पे बूम बम कर दिया गया, यहाँ पे एफटी मिराकल को यहाँ पे बूम बम किया भाई,
आईजी बैसु का नॉक कर दिया गया भाई। ओ भाई एक दूसरे को नॉक करा टीम। केएल बाबा जाता हुआ मारेगा शायद, मारेगा शायद। केएल बाबा मिस्ट्रियस को रिवाइव करता हुआ। केएल बाबा ओके यार इसको मार। क्या हुआ आईजी बैसु? ओके मिस्ट्रियस जहां रिवाइव आ गया पहले। ओके गाइस यहाँ पे टीम अप हो गया फिलहाल। यहाँ पे टीम 10 यहाँ पे इनके जस्ट बगल में है। बीटीएस के बंदे जस्ट बगल में है इनके। भाई स्कूल खाली हो गया भाई, एसटीडब्ल्यू खाली हो गया भाई। भाई उतर के मार रहा भाई। ओके एसटीडब्ल्यू का लास्ट टू मैन सर्वाइविंग, देखते क्या होता है यहाँ पे। ओके यहाँ पे इपमैन को रिवाइव दिया जा रहा है, सबको रिवाइव मिल गया। फिलहाल टीम 20 और यहाँ पे टीम 2 का फाइट अभी स्टार्ट है। यहाँ पे टीम 25 यहाँ पर मेरे ख्याल से स्कूल जा रहा है जो खाली है फिलहाल। स्कूल में कोई बंदे नहीं है। ओके एक से सदन ने यहाँ पर आईएनडी को मारा है। एक से सदन के पास चलते हैं। ओके यहाँ पे स्कूल में फाइट स्टार्ट हुआ है। ओके टीम 18 वैसे टीम बीटीएक्स यहाँ पर आराम से होल्ड कर रहा है। वो यहाँ पर बीटीएक्स ब्लैक स्पाइक यहाँ पर टीम अप करने का ट्राई कर रहा है। भाई क्या लोंडे हरामी भाई। बेनम 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 संजय यहाँ पे एक और नॉक निकालता हूँ। बेनम संजय के पास चलते एक बार। भाई बार बार नॉक कर रहा, रिवाइव कर रहा भाई, गलत है भाई। भाई गलत है भाई, गलत है भाई। ओके यहाँ पे स्टील प्रकाश यहाँ पे एक नॉक निकाला है फिलहाल। यहाँ पे टीम 2 के पास चलते हैं। ओके टीम 2 ने यहाँ पे एक बंदे को फिनिश कर दिया फिलहाल। ओके फिलहाल यहाँ पे ब्लैक स्पाइक के पास चलते एक बार। ओके ब्लैक स्पाइक टीम अप करता हुआ मेरे को लग रहा है। ओके ब्लैक स्पाइक यहाँ पे। ओके यहाँ पे ओपी डाकू नॉक होता हुआ भाई। ओपी भाई यहाँ पे 4v2 का फाइट। ओ भाई लगा पैन लगा भाई, नॉक हो गया ब्लैक स्पाइक नॉक हुआ भाई। निंजा सर्वाइविंग भागते हुआ निंजा यहाँ पे। एक सेट के बंदे निंजे का गार्ड मारने के लिए पीछे पड़ गए भाई। गार्ड मारा भाई निंजा का गार्ड भाई। निंजा भाई निंजा का गाने मारा जा रहा है भाई। निंजा के 3 बंदे गाने मार रहे भाई, गलत है। ओ भाई गाने मार रहा भाई इसका संबंध भाई। लगा भाई लगा एक पैन लगेगा मेरे को लग रहा है। पैन लगेगा अपार्टमेंट में दौड़ा थोड़ी देर इसको, अपार्टमेंट में घुमा भाई। गलत है भाई। भाई गांड मार रहा भाई, 3 बंदे गांड मार रहे बीटीएस के भाई। निंजा गया। अबे नहीं आ सकता वे लौड़े, नहीं आ सकता। अपार्टमेंट में घुसना लौड़े, मार चुरा रहे खुले में भाई। गलत है भाई। अबे इसको बोलियो डाकू अपार्टमेंट में घुसे भाई। गांड मार, गेट बंद कर भाई, देखते क्या होता है, क्या ये बच पाएगा कि नहीं। अब वापस कूद जा, अब उसके पास जा, अब उसके पास जा, डाकू के पास, डाकू के पास जा। डाकू रिवाइव नहीं हो पाएगा मेरे को लग रहा, मर जाएगा डाकू। भाई डाकू मर गया, डाकू मर गया, मर गया, मार चुप हो जा। रंडी के बच्चे, रंडी के कपड़े गांड पहन लूंगा अभी। ओ भाई ओ भाई, पहन लिया मैं तो, बात करने गया था। ए चुप हो जा मादरचोद। ओ भाई ओ भाई, यहां पे एक से फ्रैंक ओपी मादरचोद रंडी के पिल्ले लौड़े स्कैम करता मां का बोला यार। क्या फर्क है ओपी मां की चुप भाई। मामा क्या लौड़े बच्चे, तू कौन सा प्रो है बच्चे, तू कौन सा प्रो है। ओ भाई ओ भाई मिस्टीरियस मामा, मामा मरता हुआ। चुप हो जा बच्चे 14 साल के। हाँ मेरा बाप है लौड़े, बाप की स्पेलिंग भी आती देखो मादरचोद। छेद होते हैं वो देखो पता, तो भाई देखो कितने छेद होते हैं मादरचोद। तेरे मुंह में फंसा के मुंह दो, तेरी गाड़ी में पीड़ित। ओ भाई ओ भाई, अभी टीम 25 मेरा नाम है टीम बीटीएक्स निंजा। ओ भाई गलत है भाई। अबे लौड़े ऐसे मजाक कर रहे मादर चो, तू कुछ लतरा भोसड़ी के कुछ कर लेंगे क्या। ओ भाई टीम 25 आईएस के बंदे फिलहाल अभी गाड़ी लेके घूमे जा रहे हैं। ओके यहाँ पे आईएनडी में पूछ जाता हुआ
वेनम संजय की तरफ से रिपोर्ट होने करगा लौड़े ओके आईजी बेसु यहां पे लॉक होता हुआ आईजी वालों ओ आईजी आईजी वालों की मां आईजी वालों की मां की चूत आईजी वालों भोसड़ी वालों अरे मैं मिस्टर जाव आईटी बोल रहा हूं मैं भी खेल रहा हूं ओ भाई आ जाओ मेरे को मारने में पोचिंग के स्क्वाड हाउस में बैठा हूं कैंप कर रहा हूं कहां भाई बीटीएक्स निंजा बोल रहा था लल्ला पोचिंग के स्क्वाड हाउस में बैठा हूं आदर चोर साला जाव आईटी साला सबको लोकेशन बताएगा ओ भाई भाई गाड़ भाई गांड मारा तू भाई गांड मारा साला उड़वा दिया हमको नेट से भंचो गांड मारा तुम सब तुम गांड मारा ओए लेट से बोलो लड़ो किधर गए तुम किधर गए तुम भाई कहां किधर गए बोलो लड़ो रंडी का पिल्लो गांड में बैठो मुंह दूंगा फटा के भाई गांड में मुंह दूंगा भाई क्या बोल रहा है भाई ओके टीम आईएस भाई टीम आईएस आईएस बनो ई का पबजी में घुस गए मादरचोद ओ भाई टीम आईएस अब गाड़ मारने भाई 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 बस 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 अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत बहुत चुप यार ये बहन के लंड भाई चुप ओ भाई बेनम संजय आप मोनू को नॉक करता हुआ ओ मिस्टर मोनू की मां चोदी ओहो नाइस ओ मिस्टर मोनू की मां चोदी मोनू झास साले ओ भाई ये गलत हो रहा है भाई ये गलत हो रहा है भाई तेरे गांड भाई तुम्हारा गांड मारूंगा बेंचो तुम देखो बस ओके बेनम संजय अब नॉक होता हुआ फिनिश कर फिनिश कर फिनिश हो गया भाई ओपी ओपी कार्ड भाई जिंदगी होता है स्पाइक जैसी और ना ना हो भाई लौड़ा तो जाना पड़ेगा जिंदगी हो जिंदगी हो तो एक्सेप्ट वाला तो मैं तो स्पॉन आइलैंड पे मारूंगा मादरचोद स्पॉन आइलैंड में तुम्हारी गांड में लट लट तुम्हारे गूदा फंसा दूंगा मादरचोद भाई गलत है भाई लौड़े अब ज्यादा हो रहा है भाई गलत है भाई भाई गलत है अबे तभी तो ज्यादा होगा तभी तो मजा आएगा नहीं गलत है भाई गया भाई गया मिराकल गया मिराकल गया भाई गेट बंद ओ भाई ओ मिरेकल हो गया भाई मिरेकल को चोट दिया मिरेकल चोट गया मिरेकल चोट गया मिरेकल चोट गया मिरेकल की मां का भोसला पहले आईएस आईएस बनी है मार दो मार दो दो आईएस नॉक हुआ भाई इसको वार को पूरा चोट गया गार में डाल अबे लौड़े फूट जाएगी अबे निंजा फूट जाएगी निंजा फूट जाएगी निंजा फूट जाएगी मादर चोट तो भाई निंजा दो बंदे और बचे मां जो दो इनकी गाड़ी उठाओ गाड़ी उठाओ एक गाड़ी उठाओ भाई मां जो दो इनकी भाई बीटीएक्स भाई बीटीएक्स क्या इनकी औलाद इनकी चोद तो मां ना चोदो गाड़ी उठा के चोदो अब भाई इसकी औलाद मोटरी के झाट अबे गांव में मां जो मुंह में झाट मेरे पे क्या चलता साले 14 साल के साले तेरी माँ को तो भाई 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 आ ओ आ साले बसता हुआ यार बीटीएक्स निंजा बसता हुआ मैं तो लौड़ा गेटिंग नहीं हुआ बहन तो गेटिंग नहीं हुआ माँ का भोतड़ा भाई चुप 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 बस बस भाई बस 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 भाई बस भाई गलत है भाई 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 टीम टीम 25 को मार टीम 25 को ठाकुर रंडी भाई गलत है भाई भाई गलत सी ना मजे ले इनका बोलड़ी का आज तो गाइस मेरा बनके बापू रंडी चुप हो गया भाई की गाइस वाचिंग पहुंच जाएगा लॉर्ड पास टॉप पे तो भाई बापू रंडी का फोन फूटेगा आज मैच तो मेरे हाथ से साला बोल नहीं रहा है बापू रंडी जॉन दे भाई जॉन भाई जॉन के लिए क्यों जा रहा है बंदे पहलो ना अबे ये नहीं रखना।
निंजा तुम्हारी माँ जो भाई गलत है भाई 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 गलत चल रहा है। अरे बाबा तो मर गया, बाबा मर, बाबा का नाम गलत, बाबा मर गया, मिस्टीरियस का नाम बदनाम, मिस्टीरियस को पकड़ो, मार चोद दे, आईटी वालों की मार के चोद, रंडी का पकड़ इसकी मार चोद दे, बहन, आईटी वालों की मार के चोद, आईटी वालों की मार का बोतला, आईटी वालों तुम्हारी मार चोद दे, लौड़े रे, साले का मार की बोतला तुम्हारी लौड़ो, आईटी वालों की मार का बोतला, आईटी वालों की मार का बोतला, आईटी वालों की मार का बोतला, लौड़ा, भाई गया इतनी बड़ी क्या है तुम्हारी आईजी से मां का भाई गलत है भाई, भाई मेरा क्या लॉक होता हुआ यहाँ पे भाई पीटीएक्स भाई आईजी का गान बना जा रहा है, आईजी को सब पकड़ के मार रहा है, कमेंट करना ही नहीं मुझे भाई, ये लोग कर लेगा चंदन लेके जाट माधर चोद चट्टी के बाद में तेरी माँ के चूत माधर चोद रंडी के भाई घातक, भाई घातक घातक भाई घातक आईसी से सबकी माँ चुप के बोलती अभी तो मजा आया किसी का भाई, भाई ये थक है भाई, ये थक भाई पहला भाई बैसू का लगा भाई बैसू, हेलो हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो 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 भाई BTX भाई, हेलो कोई है ऑल पे, हेलो मैं BTX गाना मारेगा, लग रहा है मेरे को M249 ले ले कतर मचा दे साला, मार चोदते गाड़ी फोड़ दे, ओए गन गन अलाउ नहीं है, गन अलाउ नहीं, आगे बता रहा हूं निंजा, गन अलाउ नहीं है निंजा, निंजा अपने शब्द वापस इतना जो जीता वो गलती नहीं है, निंजा मेरा दोस्त है, बाकी आईसी वालों की मां की चूत,
ओ भाई ओ भाई टीम आईडीआईएस भाई क्या वे सड़ी के ऐसे मारते मादरचोद भाई ये गलत है भाई आईएस गन अलाउ नहीं है भाई क्या चूतिया है भाई भाई गन अलाउ नहीं है मैं बता रहा हूँ ये गलत है भाई गन अलाउ नहीं है गाइस गन अलाउ नहीं है गाइस गन अलाउ नहीं है हेलो भाई बोला हुआ है ड्रॉप का गन यूज नहीं करना है ओ भाई बोला मेल दे मेरे भाई क्या चीटिंग कर रहा है भाई हेलो भाई नहीं है भाई अलाउ नहीं है भाई भाई अलाउ नहीं है भाई हेलो भाई अलाउ नहीं हेलो भाई अलाउ नहीं है भाई अलाउ नहीं है भाई गन क्या कर रहा है भाई क्या लंड है भाई मोनू क्या लंड है भाई भोसड़ी का बाल बोल रहा हूँ ना गन अलाउ नहीं है भाई गन ले ले भाई भाई गन ले ले भाई प्रकाश गन उठा ले कहीं से गन मिलेगा उठा ले गन उठा ले पहले साले क्या ये 1v2 का फाइट जा। भाई मेरे को खुद पता नहीं गन से क्यों मार रहे हैं ये लोग ये आईएस के बंदे मार रहे हैं आईएस को सब गाली दो भाई क्या भाई आईएस भाई उड़ा देता माल्टो को भाई गन अलाउ नहीं है बोल रहा हूँ ना निकला भाई गन अलाउ नहीं है भाई क्यों मार रहा है गन से भाई सच्ची बता रहा हूँ इतना अच्छा मैच को गाने मार रहा आईएस भाई क्या चूती है बंदे भाई भाई सच्ची बता रहा भाई क्या नहीं मार पाएगा तो गोली चला वाला मेरा तो गोली खत्म हो गया शायद होप सो मेरे को लग रहा जो रकर 13-3 फर्स्ट एड जा 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 ओ भाई मार वाह भाई ओ भाई मार पाली मार इसको कोचले को लगा मार भाई भाई मार भाई गलत यार थोड़ा सक रे यार इस यार क्या लंड है भाई आईएस भाई सच्ची बता रहा हूं भाई सच्ची बता रहा हूं लंड है क्या स्कैम किया भाई ओ भाई मजा आ गया भाई क्या गाली हो रहा था भाई गाइस चलो आप एक बार इंटरव्यू के पास चलते चलो ये एंड करते हैं आप चलो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है सबको टीम इस गाड़ी से नहीं मार पाया तो गोली से मार रहा है मौगा लोग जा चोरी पहन ले क्या ओ भाई गाली पड़ रहा है आ गए भाई मेरे को पता नहीं था पैन से वो गाड़ी में मार सकता है मैं मस्त रुका ही कर रहा था इग्नाइट ये हां ये वापस इनवाइट डालेंगे तो भाई हां बताइए करेगा रुको बस 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 एग्जैक्टली 7:05 को ठीक है हेलो
हाँ आवाज नहीं आ रही। हेलो आवाज आ रहा? मेरा आवाज नहीं आ रहा लग रहा है। मिस्ट्रियस क्या बोला बच्चों? पोतरी वाले डंडे का बच्चा नूबड़ा लोग। भाई सच्ची बता रहा भाई, गलत है भाई। तो भाई मेरे को नहीं सुनना भाई, रुक। आवाज आ रहा है? हाँ बोल रहा हूँ ना, रुको बस 3 मिनट वेट करो, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है 3 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए हमारा। हाँ रुको। आपका आपका कौन कौन इंटरव्यू में रहेगा? आपका मिरेकल। रुको रुको रुको, आप बताओ एक एक करके बताओ। रुको रुको रुको, बैसु रहेगा, एक्सेप्ट कर लिया। और मिरेकल, मिरेकल का, मिरेकल का नहीं मिला फिलहाल। मिरेकल भेज दिया ब्रो मैं। लुको देखता हूँ किधर गया ये। वेनम का मिला है? वेनम, वेनम का मिला है। हाँ मिला मिला मिला, एफटी मिराकल मिला मिला मिला। हाँ तो हम लोग आएंगे और एक मांबा आएगा, उसमें आप 10 मिनट बाद वेनम संजय आएगा हमारा आईजीएल। देखो एक्चुअली सीन है, ठीक है, तो मतलब 15 मिनट का इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, बस नॉर्मल कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आप बस स्विच कर लेना। क्वालिफाइंग राउंड को थोड़ा सा थोड़ा स्ट्रैटेजी सब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। अरे यार क्या बताओ भाई, ये मेरे को मैं, अरे होल टीम इंटरव्यू कर दो, अरे होल टीम इंटरव्यू कर दो, होल टीम इंटरव्यू चल रहा है, होल टीम इंटरव्यू ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे तो नहीं होता। चलो गाइस, तो अभी ग्रुप बी का हम लोग का एक बार पॉइंट टेबल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इग्नाइट जो टीम है जो 104 पॉइंट के साथ बड़ा लीड लिया है भाई। अगर ओवरऑल ग्रुप का अगर 50 टीम्स का अगर हम लोग पॉइंट टेबल में देखेंगे ना, तो इग्नाइट स्टिल होल्डिंग द हैशटैग वन पॉइजन विथ 104 पॉइंट्स भाई, बहुत बड़ा लीड है भाई, बहुत बड़ा भाई। चलो यहाँ पर पहला बात, यहाँ पे इग्नाइट्स हम लोग का इग्नाइट्स से बात करेंगे फिलहाल। एक बार रुक जाओ, मेरे को कुछ चीज़ें देखना है। चलो गाइज यहाँ पे बात करता, रुक जा ब्रो बात करता, पहले मेरे को अपना इंटरव्यू ख़त्म करने दे, सबसे बात करते हैं, जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा, एक बार सब कुछ एक बार अच्छे से देख लेता हूँ फिलहाल। टीम इग्नाइट्स गाइज जो पहला मैच 21 पॉइंट्स लेके आया था, जो इरांगल था, सेकेंड मैच जो हम लोग का मीरामार था वहाँ पे क्या गलती खेला था, 19 किल, जो थर्ड हाईएस्ट हमारे पूरे कस्टम का है, जो 39 पॉइंट्स आज तक का जो मैं अभी जो कास्ट किया हूँ ना, 39 पॉइंट इज द थर्ड हाईएस्ट पॉइंट्स जो मीरामार में लाया था, भाई गलती खेला था। उसके बाद साइनअप में एक पॉइंट के साथ अर्ली एग्जिट लिया था, उसके बाद बिकेंडी भी थोड़ा अर्ली एग्जिट लेना पड़ा 10 पॉइंट के साथ, उसके बाद फिर से वो लोग आता अपना अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ, जो फिर से इरांगल मैप पे जैसा लोग बोला था, जो हम लोग का इरांगल फेवरेट मैप है, तो दे कैन प्रूव देमसेल्फ इन इरांगल, तो वो लोग फिर से आया 13 किल के साथ भाई, जो इरांगल लास्ट मैच था भाई गलती चल रहा था भाई, आई एम ऑफिशियल के साथ। चलते भाई एक छोटा सा टीम इंटरव्यू के
टीम इंटरव्यू की तरफ, मेरा बस इंटेंशन यही है जो आप लोग एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ये टूर्नामेंट खेल के निकलोगे ना, आप लोग के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट आप लोग कहीं पर रिप्रेजेंट किए, आप लोग वहाँ पर क्वालिफाई किए #1 पे विथ अ वंडरफुल पॉइंट्स एंड विथ अ वंडरफुल 2 चिकन डिनर जो कुछ भी बोलूँ, तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जाते जाते, ठीक है। आप फाइनल खेलो या कुछ भी खेलो, मेरा इंटेंशन यही है, मैं कोई भी कास्ट करूंगा, मैंने सोचा हो जो एक छोटा सा इंटरव्यू लूंगा, पूछूंगा जो आप लोग अंडरडॉग्स टीम हो, क्या आप लोग का क्या सोच है, कैसा है, क्या है, क्या पता कभी आप लोग का यहाँ पे बूट कैंप बना कोलकाता में कभी भी, अगर आप लोग क्या आप लोग का प्लानिंग रहेगा, क्या फैमिली सपोर्ट है, सब कुछ पता करेंगे। पर पहले पहले आप लोग थोड़ा सा स्टैट्स एंड गेम एनालिसिस करेंगे पहले इग्नाइट्स को बुला के। ओके यहाँ पर मिराकल पे चलता हूँ। हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? पहले बताओ आवाज आ रहा है? हाँ जी आवाज सही आ रही है। हाँ ठीक है, तो पहले ये बताओ आप लोग का मेन आईजीएल कौन है, कौन कॉल देता टीम में? रुको 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 रुको, चलो रुको, तो गाइस रुको, ये हम लोग का टीम इग्नाइट जो ओवरऑल रैंकिंग में अगर 50 टीम्स का लोग लेके कंपेयर करें तो #1 पे फिनिश करता है 104 पॉइंट के साथ। आप कोई भी दोनों ग्रुप को मिला के अगर आप लोग चेक करोगे यही टीम है जो #1 पे भी फिनिश कर रहा है। कुछ दिन से लैग कर रहा था पर फिर से अपना अच्छा खासा गेम प्ले के हिसाब से, जैसा मेरे को मिस्टीरियस बोला था जो इन लोग का इरांगल मैप सबसे बेस्ट है, तो लास्ट मैप इरांगल है, दे विल जस्ट गिव देयर बेस्ट, तो वो लोग 30 पॉइंट के साथ फिनिश करता है #1 पे। तो बताओ आप लोग का मेन आईजीएल कौन है पहले बताओ? मेन आईजीएल है हमारे संजय भैया, वेनम संजय नाम है उनका। किधर है भैया, किधर है पहले बताओ, संजय भैया किधर है वो, मतलब नेक्स्ट टाइम आएंगे क्या भैया? अभी आप ही का सीन। ओ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ये बात सही है ठीक है। पहले ये बताओ आप लोग कुछ दिन से ना अपने पॉइजन को लेके लैग कर रहे थे, ठीक है, आप लोग #2 पे थे वो भी 1 पॉइंट के साथ, और उसको लेके कंट्रोवर्सी हुआ बहुत, हुआ जो बहुत सारा कंट्रोवर्सी दो टीम में हुआ #1 और #2 के लिए कौन #1 होल्ड करेगा। उसके बाद आप लोग इरांगल मैप में जो हम लोग का लास्ट मैच था वहाँ पर इतना अच्छा किल के साथ आप लोग चिकन निकाले, उसके बाद आप लोग को मतलब इतना, अभी अगर आप लोग देखोगे ना #1 और #2 के लिए ना 27 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब लीड है आप लोग का, तो कैसा लग रहा है ये गेम प्ले के बाद आपको कैसा लगा? मतलब आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सेकेंड #2 पे थे, डिसअपॉइंट तो होंगे आप लोग, उसके बाद बताओ कैसा लगा आप लोग? हम लोग डिसअपॉइंट इसलिए नहीं थे क्योंकि हम लोग जानते थे आई एम द बेस्ट ब्रो, जब तक हम लोग नहीं जानते ना, जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे ना कि हम लोग बेस्ट है तब तक भाई सामने वाला हराएगा, और हम लोग लोक मैच में लैग क्योंकि हम लोग नया चीज ट्राई कर रहे थे स्प्लिट होके लूप, उसमें हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो गया, इसलिए बीटीएक्स ऊपर आई एक दिन के लिए, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट से जो भी आई हम लोग खराब लगा, और हम लोग को यही रेंगल में प्रूव करना था आई एम द बेस्ट। बेसिकली हम लोग किसी को टारगेट नहीं ले रहे थे, हां मैं देखा ये देखा, हम लोग को टारगेट लेना स्टार्ट किए तो हमने कहा ठीक है भाई इरांगल, हम सबका बेस में इरांगल होता है, देखते हैं खेलते हैं क्या होता है। ये बताओ देखो आप लोग का, हाँ बताइए, हाँ जी बोलिए, ये आप लोग का पहला मैच था आप लोग का इरांगल, ठीक है, जहाँ पर आप लोग 21 पॉइंट्स निकाल के फिनिश किए थे, उसके बाद सेकेंड मैप था, हाँ हाँ उसके बाद सेकेंड मैप में आप लोग चिकन डिनर निकाले 19 किल के साथ, जो हम लोग मैंने आज से जितना भी कस्टम कास्ट किया ना उसमें 19 किल के साथ चिकन डिनर निकालना हुआ आप लोग का थर्ड हाईएस्ट, ये आप लोग का गेम प्ले था, मतलब थर्ड हाईएस्ट किल था कोई कस्टम में मैं जो कास्ट किया हूँ, ठीक है, हाँ हाँ। उसके बाद आप लोग का सैनोक मैप आता है जो सबसे छोटा मैप, सेकेंड छोटा मैप, वहाँ पर आप लोग अर्ली एग्जिट लिए, क्या रीज़न क्या था अर्ली एग्जिट का? रीजन ये था कि हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी से कुछ हट के ट्राई कर रहे थे, सोच रहे थे कि छोटे कंपाउंड्स को लूट के और बाद में चल के बड़े कंपाउंड्स पे रश करेंगे बंदों के ऊपर, लेकिन वो काम नहीं किया क्योंकि कोऑर्डिनेशन का इशू था, वो हम लोग का स्ट्रेटेजी था, वो हम लोग में थोड़ा लैग हो गया उसमें, हम लोगों ने वो छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग देखे सैनोक से फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ हम लोग के लिए, देखा देखा इग्नाइट, हां उसके बाद भी वो हम लोगों ने यही सोचा कि हो गया, उन लोगों को जो बोल रहे हैं बोलने दे, हम लोग कोई कंट्रोवर्सी के बीच में नहीं रहेंगे, हम लोग छोड़ दिए, आप थे ग्रुप में, हां मैं था, लोग में से कोई मतलब कोई अभी शॉट यूज नहीं किया, हां ये बात सही है, कुछ वर्ड नहीं यूज किया, सब बोलने वाले बोल रहे थे, हां ये बात सही है, सुन रहे थे हम लोग, मैंने पर्सनली BTF के IGL को मैसेज किया कि भाई ये सब मत करो, बाकी के हम लोग तो टीम बेस्ट है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अच्छे हैं, बाकी के जो बच्चे हैं जो ये सब जो मतलब कंट्रोवर्सी में साथ देते हैं, हाँ ब्रो तुम हो ये हो,
वो लोग मजे ले रहे थे। ठीक है, आपका आपका सैनोक मैप एंड हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे था या वीकेंडी मैप, ठीक है, उसमें भी आप लोग का, हाँ जो उसमें भी एक्चुअली सीन था, कॉन्ट्रोवर्सी सीन था, वहाँ पे बहुत सारे कॉमे भी मजे लिया, जो से कास्टिंग में जो मजे लेते हैं कास्टर में मजे लिया, सभी लेता है। वहाँ पर आप लोग का 2v2 का फाइट था, वहाँ पर आप लोग का भोलनोवो में था जितना मेरे को याद है, वहाँ पर मिराकल या कोई ना 1v2 किया था शायद, कौन कौन किया था, मामा किया था, मामा, हाँ मामा, हाँ मामा, हाँ तो हाँ तो मैं मामा को बचा था और उस समय आ गया मामा को सबसे मैं सॉरी बोलूंगा, क्योंकि ना एक्चुअली सीन जो होता है ना कस्टम में, आपने किसी को नॉक करेगा ना तो यहाँ पे कस्टम में शो करेगा, शो करता है जो जिस जो नॉक है वो किसी और को नॉक किया, तो इसलिए मैं कंफ्यूज था, तो वैसा मेरा वहाँ पे कास्टिंग ही गलत हो गया, ठीक है, जो मैं जो बोला जो मामा वहाँ पे BTX के हाथ से मरते हुए ऐसा वैसा, तो गलत चीज़ था, मेरे को बोलना नहीं था, पर एक बात वहाँ पे BTX भी 2 man था, आप लोग भी 2 man थे, पर वहाँ पे एक और स्क्वाड था, वहाँ पर जो TX बैसू खत्म हो गया था, तो वहाँ पर फाइट 1v2v का 1v2v3 का फाइट था, वहाँ पर BTX OP डाकू निकला अकेले बसते हुए वहाँ पर, तो अभी एक स्पॉट ऐसा था एक टाइम जहाँ पे 1v2 का फाइट था, जहाँ को मामा को अकेले निकालना था, पर कुछ पता नहीं क्या हुआ, जो गन रिलोडिंग में गया क्या गया वहाँ पर मरते हुए, वहाँ पर आप लोग का थोड़ा अर्ली एग्जिट हुआ 10 point के साथ, ओ किस ओ मतलब रीजन क्या था आपका, मतलब आप लोग हाँ आप लोग ना दो प्लेयर आगे ही मर गया, क्या रीजन क्या था उसके बीच, आप लोग आगे कैसे एग्जिट हो गया दो प्लेयर का, आप लोग उसका दो प्लेयर में बचे, ये था कि जब हम लोग कुछ एक कंपाउंड था जो विला के थोड़ा क्लोज में कंपाउंड है, वहाँ पे जब संजय भैया को मतलब नॉक किया तो नॉक के साथ उनको प्रॉपर बैकअप नहीं मिल पाया हमारी तरफ से, इसके कारण वो फिनिश हो गए वहाँ पे। चलो ये सब तो छोड़ो, ये सब हो गया पुराना बात, एक ये जो कल का जो मैच था इरांगेल, हाँ वहाँ पे ना मैंने देखा लास्ट सर्कल में कंपाउंड्स था, ठीक है, पर यहाँ पे संजय भाई मेरे ख्याल से मेन IGL है, आप लोग खाली सैक मतलब वहाँ पे कंपाउंड होते हुए आप लोग खुले में रुकने का प्लान किसका था पहले बताओ, और ये क्या आगे से प्लान था, ये संजय भेनम की तरफ से और IM ऑफिशियल की तरफ से, जो मैं नॉक निकालूंगा फिर से वो रिवाइव होगा, फिर से नॉक निकालूंगा फिर रिवाइव होगा, ऐसा कोई प्लान था क्या? नहीं मैं देख रहा था भाई, एक मामा रुक था कि हम जब भेनम संजय ने पहला नॉक निकाला था IM गुरु को, तब उस समय था कि पुश करना है, जब आप कास्टिंग भी कर रहे थे कि हम लोग पुश करेंगे, हाँ। फिर हम लोग रुके क्यों, क्योंकि वो लोग जोन के बाहर कटने वाले थे, जोन प्रेडिक्शन मेरा रहता है, एक्चुअली मेरे को लगा ना, मेरे को लगा आप लोग का लाइनअप पे बात ऐसा है जो आप लोग मजे ले रहे हो, वो लोग जैसे ही मतलब पीप कर रहे हैं नॉक कम से कम 3-4 बार एक ही बंदा नॉक हुआ है, क्या IM बप्पू या क्या वो था नाम मेरे याद नहीं, उसको ना संजय ही नॉक कर रहा था, वो संजय भैया ही नॉक कर रहे थे बार बार, भाई गलत ही बोलो, ये आप लोग का ना मैंने किल्स पॉइंट एक बार यहाँ पे डिवाइड किया है, जो भेनम संजय आप लोग का थर्ड हाईएस्ट किल निकाल रहे, सेकेंड हाईएस्ट किल निकाला है हमारे पूरा ये अभी तक का क्वालिफाइंग राउंड में 17 किल, उसके बाद हम लोग का IG बैसू 11 किल के साथ, FT मीरा, उसके बाद DD मामबा 9 किल, FT मीराकिल 5 किल, तो ये FT मीराकिल क्या आप लोग आप मतलब क्या मीराकिल का रोल क्या है गेम में पहले बताओ, मेरे को लगा ही वैसा, क्योंकि बहुत ही कम ये जितना एग्रेसिव गेम प्ले होता है ना आप लोग का, आधा किल संजय निकाल लेता है, आधा बैसू निकाल लेता है, बचा हुआ ये दोनों के बीच में जाता है, ये सीन रहता है, मामबा भी अच्छा ही रोटेशन प्लस एंट्री फ्लैगर सब हम करने लगे थे, मतलब उस समय चेंज हो जाता है, सपोर्टर का यही होता है कि जब तक हम लोग को मौका ना मिले तब तक आगे नहीं जाते हैं, और हम लोग को पीछे रख के कवर देना रहता है, बहुत 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 किल के लिए जाते नहीं हम लोग, ऑल ओवर द टीम किल देखते हैं, बहुत ही अच्छा गेम प्ले था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, टीम कोऑर्डिनेशन हो गया आप लोग का गेम प्ले सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग का जो मीरामार का जो 19 किल का गेम प्ले था भाई पूरा दिल छू गया, उसके बाद जो कल का इरांगेल मैप था जो आप लोग को प्रूफ करना था एक्चुअली #1 के लिए, आप लोग प्रूफ भी किया और बता भी दिया, जो मेरे आसपास कोई टच भी नहीं कर सकता, ऐसा प्रूफ किया अपने आपको, जो 27 का लीड लिया आप लोग, चलो ठीक है आप अपने IGL को बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, बैसू बात किया क्या मेरे साथ
क्या आवाज वैसु को बुला दे मैं वो कर देता तो कॉल कर देता ठीक है चलो कॉल करा मेरे को निकालना नहीं वैसु ही जाएगा वहां पर कल का मैच बहुत ही गलत था कल का जो मैं देखा कंपाउंड चार पांच बंदे चार टीम कंपाउंड होल्ड कर रहे थे सामने वाला फार्म का कंपाउंड था वो चार तीन बंदे होल्ड कर रहे थे कहाँ था सर मिलिट्री कहाँ था कंपाउंड कहाँ था याद नहीं मेरे को कंपाउंड था हमारा ये रिज होता है ना हाँ रिज के नीचे नीच के नीचे वाला कंपाउंड था गटका वाली साइड हाँ मैं देखा आप लोग गाड़ी घुमा रहे थे पर आप लोग ने रुका नहीं कोई कंपाउंड होल्ड नहीं किया आप लोग ने सैक की होल्ड करना चाहा सीन था बस आप लोग ने टैग की क्या कॉल करने का क्या मेरे को हाँ कॉल कर मिरेकल आई थिंक कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए आ रहे हैं संजय भी आ रहे हैं हाँ संजय भी आ रहे हैं संजय भी आ रहे हैं आप कुछ वैसे पूछना तो पूछ लो जा भाई वैसु भाई सेकंड भाई सेकंड एक इको हो रहा है हाँ इसीलिए नहीं चलो ठीक है आप बंद कर लो मैं चलो मेरे को संजय भैया से कुछ दो तीन और सवाल है उनको पूछ के बस एंड करते हैं हाँ तो संजय भैया द आईजीएल मेन आईजीएल हाँ आपको कैसा लग रहा है संजय भैया पहले बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेकंड हाईएस्ट किल होल्ड कर रहे हो क्वालिफाइंग राउंड में 17 किल के साथ और कल का चुम्मा आपका डिसीजन चुम्मा आपका गेम प्ले कैसा था बताओ कैसा लग रहा है आपको लग रहा है भाई ये तो नहीं आप अभी का एडवांस कस्टम को पूछो यार गांड फटी पड़ी है काम भाई बाद में वो एंड में आप गलत सीन कर रहे हो भाई ये गलत है लेकिन चीटिंग नहीं वो ठीक है ना आप थोड़ा बात करते ना डिस्कस करते थोड़ा मैच का पहले बताइए मीरामार मैप नाम 19 किल कैसे क्या प्लान था क्या स्ट्रेटजी था मीरामार मैप का आप लोग का प्लान कुछ नहीं था हमारा रश का प्लान रहता है ऑलवेज हम रश करते हैं हमारा रशिंग का रहता है हम हाँ, के लिए जाते हैं चिकन हमारे लिए मैटर नहीं करता ये मैं देखा हूँ पर किल के साथ साथ आपको दो चिकन एकदम अच्छा रैंक पुश करवा दिया ये बात है जो आपका पॉइजन गलत ही पुश हुआ है ये बताइए आप इतना किल कैसे कर लेते हो कभी चार किल कभी सात किल कभी एक किल कभी पांच किल कभी दिन खराब रहा तो जीरो किल के साथ ही खत्म आप बात सुनो ऐसा नहीं ना आप खत्म तो कोई बचा हुआ है आप खत्म तो पूरा टीम ही चल जाता है जैसे साइनोक में देखा सब एक साथ गया एक मतलब पॉइजन के लिए कोई जाया नहीं मतलब देखते हैं ना मेनली मैं देखता हूँ अगर तीन टीम फाइट लेता है ना तो एक थोड़ा बैकअप रहता है जो अगर ये मरा तो मैं यहाँ से पॉइजन के लिए जाऊंगा पर वैसा मैं आप लोग के साथ नहीं देखा और सब टीम में 99 देखा हूँ परसेंट अपने ग्रुप में देखा हूँ पर आप लोग क्या करते हो जाओगे तो मरोगे चारों और हमारे को हर बंदे पे इतना मेरे को ट्रस्ट है कि एक बंदा भी सोलो वर्सेस स्क्वाड निकलने का दम रखता है ये बात तो मैं देखा दूसरे बंदे बैकअप करते हैं एक डरते हैं वहाँ मेरे बंदों में इतना है कि हम मार देंगे सामने चार बंदे हम मार देंगे वो कभी किस्मत है अब उस दिन जैसे सैनोक मैप में क्या हुआ मांबा का नेट सही गलत टाइम पे चला गया सही है ये संजय संजय भैया ये बताइए रुको संजय भैया कल का क्या सीन था बताइए कल को आप बस नॉक छोड़ रहे थे नॉक फिर से छोड़ रहे थे क्या सीन था मतलब मजे लेना था क्या आई एम ऑफिशियल के साथ मजे नहीं लेना था नहीं आई एम ऑफिशियल हमारे बहुत अच्छे हाँ मेरे को पता है इसलिए मैं सोच रहा था कब पुश करेगा टू दो बंदे हैं पर एक चीज अच्छा डिसीजन था मैं एक चीज मैं बोलूंगा वहां पर एक अच्छा डिसीजन था अगर आप लोग रीच छोड़ते तो आप लोग का पॉइजन थोड़ा मैटर करता था थर्ड पार्टी होने का वहाँ पर आप अगर एक भी बंदा नॉक होता थर्ड पार्टी का मेन सीन था और हम इसीलिए पुश नहीं किया हमने डिसाइड हमको दिख गए थे दो बंदे हैं सही डिसीजन है सही डिसीजन नॉक होते ही हमको पता चल गया था बस एक ही बंदा बचा हम लोग जोन प्रेडिक्ट कर लिए थे कि वहाँ जोन नहीं बनेगा वो लोग जोन के बाहर ही रहे एक चीज पकड़ के कवर बना चुके थे एक चीज बताओ कल का एंगल जब कट ऑफ भी हुआ तो वो लोग जोन के बाहर ही रह गए थे कहाँ कल का मैप तो पूरा जोन जोन फेवर तो कर ही रहा था आप लोग को कल का ये बोल सकता हूँ जोन आपके लक में था पर मीरामार मैप में क्या था बताओ मीरामार का मेरे को याद नहीं कल तक का याद है मेरे को मीरामार याद नहीं कल याद है मीरामार में क्या जोन हम पुश करते गए हमारे पास ये था कि कंपाउंड अपने को एक चाहिए लास्ट के लिए जो हमने वैशु और मिराकल को एक कंपाउंड में रख दिया और मैं और मांबा हायर ग्राउंड पे पकड़ के वहां से सारे किल्स स्टील कर रहे थे भाई मांबा भाई उस दिन भाई आप लोग गलती खेले थे भाई 19 किल भाई मामूली बात नहीं #3 अभी तक का रिकॉर्ड है 7 किल हां मांबा स्नाइपर हमारा मांबा 7 किल निकाला था तो भी उस दिन भाई गलत मत बोलो मांबा को 7 किल निकाला था हमारा जनरली क्या होता है एक बार में एक स्क्वाड से हम फाइट नहीं लेते दो या तीन स्क्वाड से हम एंगेज करते हैं दो कल जैसे कि आपने भी देखा तो हम लोग राइट साइड से भी एक फाइट ले रहे थे और इधर आई एम ऑफिशियल सालो से हां मैं देखा आप लोग स्प्लिट थे मैं देखा दो बंदे इधर मार रहे दो बंदे उधर मार रहे हैं सामने आप लोग का क्रेजी किलर था आप लोग क्या क्रेजी किलर को स्पॉट किए थे पहले बताइए जो क्रेजी किलर सिंग मतलब आप लोग के सामने से मतलब खुले में आ रहा था
किए थे पर हम इसीलिए स्मोक करके करोगे तो मैं वहां पे एकेएम से उनको डैमेज भी दे रहा था लगा। हां मैं देखा स्मोक करके जो मैं हम लोग जानते थे क्रेजी किलर के पास एक रिच डिसएडवांटेज है जो हम लोग को वो फायर नहीं कर सकते तो हम लोग स्मोक करके केवल राइट और लेफ्ट पे ध्यान दे रहे थे और हम लोग जब पुश किए थे क्योंकि एट द एंड हम लोग को पुश करने के लिए राइट से कवर चाहिए था हम लोग को। हां ये बात सही है हम ज्यादा कर रहे थे और हम राइट को क्लियर कर दिए तो मेरे को क्रेजी किलर सामने से नॉक किया फिर भी हमारे पास रिच था तो इसमें हमारे वेनम भैया रिवाइव दे दिए। चलो ठीक है इजीली रिवाइव दे दिए उसके बाद 4v3 का सिचुएशन बहुत अच्छा लगा। ये दोनों बंदे लास्ट के बचे थे काफी अग्रेसिव पुश ये तो हो गया जा भाई गेम का टीम गेम का सीन था हमारे के अब ये बीटीएक्स और इग्नाइट का क्या सीन चला रहे हो आप लोग। नहीं मैंने ऐसे कास्टर में थोड़ा सा एंटरटेनिंग मसाला मारना चाहा और नॉर्मल सा होता है गेम प्ले में होता है आज आप जीतोगे कल वो जीतेगा परसों में भी जीत सकता हो सकता है। मैंने भी कैंडी में नोटिस किया नंबर 1v2 निकाला आपने कुछ नहीं बोला एक शब्द उसके लिए कुछ नहीं नहीं मैं मत बोलियो मैंने अपोलॉजी किया उसके लिए एक्चुअली मैं आपको बोला ना जो अभी बग जर चल रहा ना जो कस्टम में अब मामा नॉक करेगा आपको तो शो करेगा आपने नॉक किया मामा को ये शो करता है। अच्छा इसलिए मैं उसे अभी बता दिया मैं ऑनेस्टली मैं अप्रिशिएट किया हूं कुछ नहीं बोला मैं अभी अप्रिशिएट किया हूं आप पूछो आप मिराकल से पूछो मैं बोला अभी मामा को पूछो मैं बात का अपोलॉजी करके अप्रिशिएट किया मैं बात किया। चलो संजय भाई चलो चलो 20 मिनट ऑलमोस्ट हो गया। हां देखो बेसिकली भाई मार मेरा मार में हमारा एक सेकंड मामा एक सेकंड बोलो मेरा मार में हमारा लास्ट ये था जब हम लोग रिच होल्ड करने जा रहे थे हम लोग डाउन द रिच जा रहे थे हम कॉल दिए कि मैं जोन वहां नहीं बनेगा भैया अपर रिच ले लीजिए तब हमारा बीटीएक्स से फाइट हुआ तो बीटीएक्स ने यही कॉल दिया कि आप लोग ने बैक स्टेप करके कैम करके आए पर हम लोग रोटेशन नहीं 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 जब ये रोटेशन के बीच में आए थे उस जगह पे और हमारे देखो रोटेशन के बीच में अगर कोई भी स्क्वाड आएगा तो हम उससे फाइट लेंगे बस ये देखो बैकअप तो हमारा रहता नहीं देखो मेरे को अभी तक मैं जितना गेम प्ले आप लोग देखा हूँ मैं एक आस्ट करता हूँ मेरे सच कोई आप जज कर ही नहीं सकता कोई भी एनालिसिस दे नहीं सकता तो आप लोग का कहीं पर भी ना आप दोनों मैं ना बता रहा हूँ आप लोग कहीं होल्ड नहीं किया है और आपको ऑरेंज रॉक का पता है ऑरेंज रॉक कैंपर बोलता है उसको होल्डर बोलता है वो लोग भी हैशटैग #1 पे फिनिश होता है वो ऑरेंज रॉक का ही बात बोल रहा हूँ वो आप बताओ भाई फर्क नहीं पड़ता है ना आप लोग प्रूव कर रहे हो किल के साथ प्रूव कर रहे हो कोई कुछ भी बोले पर बाय द वे एट द एंड सभी टीम अच्छा खेल रहे बस आप लोगों ने मतलब अपने आप को प्रूव किया अच्छे किल के साथ। चलो यही चीज मैंने ग्रुप में भी बोला था हमने भी बोला था सब टीम अच्छी है सब टीम अच्छी है भाई मैं ये चीज बोलता ना बीटीएस खराब है ना हम खराब है ना आज भी आज हम जीते कल मान लीजिए आप ये जो फाइनल होगा उसमें बीटीएस जीत जाए जहां भाई आज कुछ तो है जिसमें आईजी के पीछे सारे टीम पड़े हुए हैं। हां ये तो है बस आईजी को मारो भाई। हां ये बात सही है। एक लास्ट क्वेश्चन अगर कोलकाता में कभी बूट कैंप बना सोचो जी तो सो कोई बूट कैंप को ऑर्गेनाइज किया सोचो हो सकता है फ्यूचर में मैं ही करूं अगर कमेरा मेरे से ही होए कभी फ्यूचर में तो मेरे से नहीं मेरा छोड़ दो बात का कोई और करे उसके बाद आपका ग्राइंडिंग देख के ग्राइंडिंग करके कोई आपको इनवाइट करे तो क्या सीन होगा क्या आप लोगों का मतलब क्या सीन होगा मतलब आप लोगों को बोले आप मैं जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो जरूर ज्वाइन करेंगे आखिर सब लोग अपॉर्चुनिटी के लिए ही खेल रहे हैं। हां बात सही है क्योंकि अभी फैनेटिक का भी अभी भी फैनेट हां हाँ भाई ये एफटी मिरेकल दिख रहा है ये सब आईजी है ठीक ना एफटी मिरेकल पहले मतलब हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था उसमें हम इंटरनेशनल कप इंटरनेशनल स्क्रीम्स खेल के आए थे पर मेरा नहीं जमा लाइन आपके साथ क्योंकि मेरा था कि हम एक सपोर्टर है तो हमको एक एग्रेसिव टीम चाहिए था मांबा से मिले मांबा से हम जब मिले थे तो मतलब उस समय मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था तो लो था मांबा मेरे को चूज किया उस समय हम आईजीलिंग कर रहे थे हम बहुत सारे स्ट्रीम खेले उसमें हम आईजीलिंग के अपने आप को प्रूव किए पर जब जिस दिन हम वेनम संजय भैया से मिले थे हम लाए इनको अपना जगह दिए और इनको यहाँ तक बोले कि भैया अगर आप टीम नहीं छोड़ेंगे तो ये आज तक वो अपना भरोसा मतलब एक टीम पे होता ना कि भरोसा होना चाहिए ये चीज है और संजय भैया हम लोग को खुद ये भरोसा रोज दिलाते हैं कि अगर गेम खराब गया कोई बात नहीं तुम अपने भरोसा रखो। सही है संजय भैया सही है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देते वो संजय भैया का फैन बन गया अब रुलाएगा का मतलब होता है ना और ऐसा ही नहीं है कि हम लोगों को गेम पे हेल्प करता है फाइनेंशियली हो गया है कुछ भी तरीके से हो जाता है ना हमारे लिए संजय भैया करता है भाई सही है
चलो ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक आप लोग का फाइनल के लिए। मेरा मेरा हाँ रुको रुको रुको, मेरा मैं बता रहा हूँ, मेरा मेन मेरा मेरा एक चैनल पे ही होता है, मेरा मेन मोटिव है आप लोग ये कस्टम खेल के कोई और कस्टम में जाओगे ना आप लोग मोटिव मतलब एक अलग कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए अंदर में, इसलिए मैं ये चाह जो एक छोटा सा इंटरव्यू रखता हूँ कुछ तो नया करे अपने चैनल पे, इसलिए तो आप लोग अगर थोड़ा सा कितने होता है थोड़ा अलग होता है तो आप लोग को मत क्या बताओ गलती में हग रहा हूँ। चलो छोड़ो, चलो थैंक यू आप लोग का बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ बस जो आप लोग कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाओ यहाँ से या आप लोगों को ग्राइंडिंग देके अगर चांस मिले मेरे को अगर कोई स्पॉन्सरशिप आएगा ना मेरा टीम मेरे जो कस्टमर जो प्रूफ करे टीम होंगे उनको मैं सबसे आगे दूंगा, सबसे आगे मेरा अगर स्पॉन्सरशिप फ्यूचर में कभी आया मेरा सीन यही है। अच्छा कभी बूट कैंप भी बना कल परसों फाइनल है तीन तीन मैचेस का, उसके बाद खत्म हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। जीतने पे क्या है मतलब जीतने पे आप लोगों को पता है मैं एक रुपया भी कमाता नहीं हूँ ना ही अभी तक मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है ठीक है। जितना होगा आप लोग समझ लेना जो इज्जत सबसे बड़ी बात होती है ठीक है, जो आप लोग इस चैनल से कमाओगे उससे बड़ा कुछ है ही नहीं मैं बताऊंगा। और मेनली ना मेरे चैनल पे ना इतने सारे मेरे मतलब बंदे थे जो कोलैप्स किए ना वो लोग मतलब चैनल है उन लोग का भी, तो उन लोग को ना मतलब ना थोड़ा अलग सा ही मतलब उन पर जो भी खेलता है ना उनको प्राउड फील नहीं होता है, पर मेरे टीम में और भी मैं क्वारंटाइन कराया हूँ तो ऑलोक को मतलब बीच में गैप लिया वरना मेरा चैनल कब का मोनेटाइज हो जाता, तो गलत सीन वही था पर ठीक है मैं वापस आया हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बताइए लोग आईजी को कर रहे हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे देखो नॉर्मल से देखो अंबानी इतना कमाता है, मेरा नॉर्मल से एग्जांपल देखो अंबानी इतना पैसा कमाता है रिचेस्ट है इंडिया का, तो देखो किसी को भी गाली देगा तो नॉर्मल सी बात नहीं लेके बोलता है तेरा बाप अंबानी है क्या, तो नॉर्मल से सबको मतलब इनको पता है जो इसका बाप अंबानी बन नहीं सकता, तो अगर आईजी कोई कर रहा है सबको पता है आईजी कोई बन नहीं सकता, बात वही है ठीक है। चलो 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 थैंक यू पर आईजी अभी तक बेस्ट टीम में अभी तक देखा हूँ कोई भी रिप्रेजेंट करो अभी आईजी का ये एक लास्ट क्वेश्चन रुको ये जो मिस्टीरियस के बारे में दो लाइन बोलो पहले आपके तरफ से दूसरा चीज एक चीज मैं सबके लिए बोलेगा हर चीज के लिए थैंक यू संजय भैया। अरे 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 और दूसरी बात मैं ये बोलेगा कि पर्सनल टारगेट लेना टीम को बंद करो ठीक है, अगर हो है तो बातों से नहीं बातें भाई एक्शन बातों से ज्यादा प्रूफ करता है। हाँ ये बात सही है मैंने हम लोग ने प्रूफ किया, चुप होकर प्रूफ किया, बात सही है, कुछ नहीं कहा हम लोगों ने, शांत होकर प्रूफ किया। मैं स्क्वाड को भी नहीं जानता भाई, लिटरली बता रहा हूं जहां भाई मैं किसी को भी नहीं जानता था, मैं शुरू के फर्स्ट डे आया BTX वाले हम पे रश कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था ब्लैक स्नाइपर 1v3 ओपी डाकू कौन है ना 1v3 मैंने इनको उससे M4 से गिराया था ठीक है, मैंने कोई जानता ही नहीं था मैं कौन है ये भाई। नहीं नहीं पर मैं एक चीज बोलूंगा जो सभी अच्छा खेलता है, तुम्हें कुछ भी मतलब किसी को भी पॉइंट नहीं करूंगा, सभी अच्छे अपने आप को एक जगह पे प्रूफ कर रहे हैं, सब अपने आप पे सब दिन रात ग्राइंड कर रहा है, पर ठीक है टारगेट भी होता है तो उससे भी मतलब ना थोड़ा सा अगर मैं एक चीज बोलूं ओपी डाको बहुत अच्छा प्लेयर है। हाँ मैं ओ ओ ओ हैशटैग ओ ओ अभी तक का उस दिन टीएक्स वाले ने हील बैटल करके निकाल लिया हमारी फाइट अर्ली फाइट हो गई थी हमारी वीकेंड में बहुत दो बंदा वही मार चुके थे उनके एक बंदा मुझे मार चुका था मैं बोल रहा हूँ उस दिन क्या लगा था कि टीएक्स का सोलो बंदा अभी फर्स्ट एड पॉप करके जीत जाएगा हील बैटल में ठीक है
सब अपनी जगह अच्छे प्लेयर, किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करते अपन। चलो बात मैं बात करने चला ना तो इंटरव्यू एक घंटा का हो जाएगा, तो इसलिए छोड़ो और भी टीम वेट कर रहे। चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप लोग फाइनल के लिए। और प्राइस पूल आगे बोल रहा हूँ, प्राइस पूल कुछ छोटा ही होगा पर आप लोग इज्जत कमा रहे हो, बस इतना मैं बोलूंगा और कुछ नहीं। और जब जब देखो मैं भाई देखो मैं स्कैम मैं देखना, और भी टूर्नामेंट होते हैं जो स्कैम करते हैं अपने टूर्नामेंट करवाएंगे अपने टीम को जितवा देते हैं, 1400 करता है 2000 करता है। मेरा सिंपल है, मेरे को अगर स्पॉन्सर मिलेगा मैं रेयर लेजिट गेम प्ले करवाऊंगा, सब कुछ लेजिट रहेगा, कुछ नहीं है भाई। वाइल्ड कार्ड किसको मिल रहा है, जिसको जो मतलब एक टीम है जो 31 पॉइंट्स में हैशटैग 11 में फिनिश कर रहा है और 10 में हैशटैग 10 में 31 पॉइंट का एक टीम है, दोनों मतलब टाई है। तो मैं क्या एक वाइल्ड कार्ड उसको दे दिया भाई, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। जब मेरे पास स्लॉट है तो सही है, एक दे देता हूँ, क्या हुआ। तो नॉर्मल से बात है, मेरे तरफ कोई भी अपॉर्चुनिटी, क्या पता कल को वही टीम चिकन डिनर ले जा। अब मैं चाहता हूँ ये ग्राइंडिंग देख के मेरे चैनल पे स्पॉन्सर आए और चांसेस मिले आप लोग को आगे ग्राइंड करने का और भी आगे पीएमएस खेलने का। कोलकाता में आज तक एक भी बूट कैंप बनाने का फ्यूचर मगर मैं भी कमा लिया, तो एक जरूर एक छोटा सा बूट कैंप करके आप लोग को ट्रेनिंग देना चाहूंगा। चलो बेस्ट ऑफ लक, चलो मिलते हैं, चलो बेस्ट ऑफ लक, चलो चैनल आप देखो ग्राइंड। हम भी चैनल लाइक सब्सक्राइब भाई, नहीं मैं लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो, मैंने कभी मांगा ही नहीं, मैंने किया तो करना नहीं किया तो छोड़ो, हमने नोटिस किया ये चीज, हम अपने से कर देते हैं भाई। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फाइनल जीत के आओ, एक और एक घंटे का इंटरव्यू हो, ठीक है, फाइनल जीत के आओ। ओके ब्रो, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। चलो थैंक यू, मिलते हैं, बाय। ठीक है ब्रो, थैंक यू, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, थैंक यू भाई। चलो गाइस, तो ये था हम लोग का टीम इग्नाइट्स के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। एक बार चलते टीम आईएस की तरफ, टीम आईएस वेट कर रहा है बहुत देर से, वेयर इज टीम आईएस, टीम आईएस है क्या, वेट कर रहा है, कहाँ है, टीम आईएस तो मेरे खेल ही रहा था। चलो गाइस, टीम आईएस को इनवाइट किया जाए फिलहाल। आईएस किधर है, ओके मैचिंग मेल हो क्या, टीम आईएस, ओके बुलाया जाता है टीम आईएस को। मैं किधर मैसेज करूं आईएस को, यहाँ पे भी कर देता हूँ टेक्स्ट। लेट मी टेक्स्ट यार टीम आई है, भाई तेरे मां फोन की दिखाई तेरे को बुला रही है। हो बहुत तू बहुत सयाना है, लाइक तू कलानी खाने वाला है, तू कल फोन में रिचार्ज कितना मेरा टीम आई है, आप लोगों को बुलाया जा रहा है, लॉबी में फटाक से आ जाओ। वेयर इज टीम आई है, कांट फाइंड देम। टीम आई है BTX, be ready. चलो हेलो क्राइबोंग, हेलो माइक ग्लिच, भाई गलत है भाई, गलत सीन है। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, सॉरी यार, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, पहले बोल दो भाई सॉरी, वो गन उठाया था ब्रदर ने, वो बाद में बात करेंगे, अभी 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 वो सब चिल मारो, वो सब बाद में बात करते हैं। आप बुलाओ आपके कौन, चारों प्लेयर आपके चारों प्लेयर आएगा, ठीक है, अभी बस 7 मिनट के बाद आप एक को एक जाके एक और को बुलाना, ठीक है। हाँ वही करेंगे, चलो आईजीएल क्यों नहीं आ रहा, पहले इसको ले लो, रुको ब्रो, वेट कर रहे हैं, उसका थोड़ा पिंगिश है ना इसलिए।
आईजीएल हाँ नहीं रहे आप लोग अरित्रो को बार बार किक कर दे रहे हो, ये गलत है, ये सीन गलत है, ये गलत सीन है। अरित्रो मेरा भाई है, आप लोग उसे किक करो ऐसे। अरे हमारा भी भाई है उसके साथ गेम करने में मजा आता है। अरे लुईस भैया क्या कर रहे हो, फिर से बुला के किक मारे भाई, गलत है भाई, गलत है। जब बोले जो भाई आज करना है बोलो। ठीक है चलो, आपका आईजिल नहीं आ रहा है, आएगा क्या? आएगा आएगा आएगा, चलो ठीक है। हाँ तो पहले बताओ, जो टीम आई है जिसे मैं कभी इंसेन बोला, कभी क्राइबोंग बोला, कभी कुछ और बोला, उस बाद में मेरे को कोई मैसेज करता है जो ये इंडियन स्पोर्ट है, किसका इको, इको किसका हो रहा पहले बताओ, इको किसका हो रहा पहले बताओ। एक बंदा लाइव स्ट्रीम में, तुम चलो बंद किया, बंद किया, मैं बोलूं मेरे को मौका दिया जाएगा? चलो ठीक है, देखो जो टीम आई एस, फिर से बंद कर, फिर से बंद कर भाई, बंद कर तू पहले, बंद कर, किसका इको हो रहा है? हेलो सही है, आप स्क्वाड का आई थिंक, अच्छा आप सही, आप सही, आप सही, आप सही है। ठीक है तो ठीक है, शुरू करते हैं गाइस। ये टीम आई है जो ग्रुप ए में हम लोग का ऑलमोस्ट हैशटैग वन पे फिनिश कर रहा है, अच्छे खासे किल के साथ और पॉइंट के साथ। तो एक बात बताओ, टीम आई है जिन्हें मैंने इंसेन का, क्राइबोंग का, बाद में मेरे को आता है यहाँ पर चार्ट में, जो ये टीम इंडियन स्पोर्ट है, ठीक है, उस पहले बताओ, आपको पहले बताओ, इतना दिन से आप लोग ग्राइंड कर रहे हो, मैं किसी और को शाउट आउट दे रहा हूँ, कैसा पहले लगा, कैसा पहले बताओ, कुछ फील था वहाँ पे आप लोगों को? पता था ये बात, ये बात पता था आप लोगों को, जो मैं किसी और को साउट आउट दे रहा हूँ इतना दिन से, जो हैशटैग वन में चिकन निकाल रहा है? हाँ मैंने देखा, मैंने सब स्ट्रीम देखा। हाँ उसका तो ये गलत, मैं इसके लिए सॉरी बोलूंगा। ठीक है पहले ये बताओ, आप लोग ग्रुप ए में हो, ठीक है, ग्रुप ए एज कम्पेयर टू ग्रुप बी, ठीक है, बहुत ही वीक टीम, मतलब वीक टीम से इनमें, मतलब जितना कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन है ना इतना हाई नहीं है, ठीक है, मतलब ना, मतलब बोलूंगा 70% है। वहाँ पे आप लोग अच्छा अच्छा खासा किल के साथ, पॉइंट के साथ हैशटैग वन में फिनिश कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैच आप लोग का इरांगल था, मेरे को याद है, तीन बंदे उतरे थे, ठीक है, तब मेरे ख्याल से अरित्रो नहीं था, ठीक है, अरित्रो नहीं था तब, आप लोग ने ऑलमोस्ट 8-7-15 किल के साथ चिकन निकाला था, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैच था आप लोग का मीरामार, जो उसमें अरित्रो भी आया था, ब्रीजर आया था, ये नाम ब्रीजर या ब्रेजर प्ले बताओ मेरे को, इनका नाम क्या ब्रेजर है क्या? हाँ तो ये उसके बाद आया, उस दिन आप लोग 13 किल के साथ चिकन निकाले, उसके बाद आप लोग का गेम प्ले में क्या हुआ बताओ, मतलब ऐसा सोचा था क्या? नहीं मेरे पहले बात सुन लो, आप लोग का प्लान ऐसा था क्या? नहीं आप एक चिकन निकाले, दूसरा निकाल लिया, क्वालिफाई तो कर ही लेंगे, आराम से खेलते हैं, आराम से नया नया स्ट्रेटेजी देखते हैं, ऐसा कोई प्लान था क्या? नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग का मतलब कि इट्स गॉट माइक ऑफ कर एक बार, तो हमारा क्या प्रॉब्लम है भाई, जो छोटे मैप्स है ना उसमें हमारा रोटेशन वगैरह थोड़ा लेट होता है बड़े मैप, तो इसलिए पीछे वाली जो टीम है मतलब कि पकड़ लेते हैं हमको। जैसे फर्स्ट मैच आप लोग का सैनोक छोटा मैप था, जहाँ पर हाँ आपका 4v4 हो गया था, पकड़ लिया। हाँ जो जो अच्छा टीम है बाय द वे, मतलब कोई लल्ला टीम नहीं है, पीडब्ल्यू बहुत अच्छा टीम है, उसके साथ फाइट हुआ, और मैं इंटरेस्टिंग था मेरे को दिखलाना ऑन स्ट्रीम, 4v4 का फाइट, 4v3 का जो फाइट हो गया था, थर्ड पार्टी जो हुआ था, आप लोग वहाँ पर एक अर्ली एग्जिट लिए थे, उसके बाद आपका फिर से आया बिकेंडी मैप, वहाँ पर आप लोग अपने आप को प्रूव कर रहे थे। आपका बिकेंडी में कौन सा पोजिशन था, कौन सा पोजिशन में एग्जिट लिए थे आप लोग? भाई वो भी अच्छा ही था, ऊपर से आप लोग का यूडीएक्स पीछे से आप लोग को मार रहा था, सामने से आप लोग का क्रांतिकारी था, जहाँ पर क्रांतिकारी को जोन फेवर किया बूम बाम सा, तो वहाँ पर आराम से निकाल लिया। कल का दिन क्या हुआ पहले बताओ, कल का इरांगल मैप तो वो तो सबका लिए मतलब नॉर्मल सा फेवरेट है सबका, क्या हुआ उसमें, क्या हुआ आप लोग फिर से एक अर्ली एग्जिट के साथ गए? भाई मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को आगे भी ऐसा लग रहा था, आप लोग पहला दिन थ्री मैन के साथ आए चिकन निकाल लिए, अब उसके बाद आप लोगों को मतलब अलग कॉन्फिडेंस होगा, जब तीन मैन के साथ आ रहा हूँ एक और लाता हूँ और किल निकलेगा, चिकन निकाल लिया, उसके बाद सोचा अब हलवा है, आप तो चिकन निकल ही जाएगा, आराम से खेलते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा कुछ सीन था क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो आप इरांगल में पहले बताओ, कल का इरांगल एग्जिट क्यों हुआ आपका, इतना अर्ली एग्जिट क्यों हुआ? नहीं मेरे को याद है कल को इरांगल आप लोग का, आप लोग जस्ट 4v4 फाइट लिए थे, उसके बाद आप पे 2v4 हुआ।
हाँ तो वो थोड़ा सा थोड़ा सिचुएशन टफ था, ठीक है वो भी ठीक है, पर आप लोग को पता है ग्रुप बी के बारे में कुछ पता आप लोग को? और वहाँ पे इग्नाइट और BTX जो टीम है ना भाई गलती है, मतलब जहर है, हमेशा एग्रेसिव गेम प्ले चलता है उनका। अभी 104 पॉइंट के साथ #1 पे जा रहे हो, तो कुछ मतलब आप लोग मतलब कुछ मतलब एनालाइज कुछ किए नहीं हो ग्रुप बी के लिए ऐसा कुछ? ग्रुप बी के लिए नहीं भाई, मतलब तो हम किधर टीम टीम के ऊपर एनालिसिस नहीं करते, हम खुद ही मतलब कि छोटे मैप्स ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रोटेशन और फास्ट करना। सही सही, आपका आईजीएल आने वाला है क्या? हाँ आईजीएल आने वाला है, चेक करो एक बार। दो मिनट ब्रो, एक्स गॉड का माइक ऑन कर पहले भाई, तू पहले इको क्यों हो रहा है पहले ये बताओ आप, इको क्यों हो रहा है? क्या मैं गरीब सर, ये नुब्रा का हेडफोन नहीं, पहले बताओ नुब्रा हेडफोन हो सकता है, पर आप अभी #1 पे जा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं अरित्र, अरित्र को फिर से बुलाना, उससे बहुत सारा बातें है मेरा, वो मेरा भाई है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो को एक बार क्लिक करते हैं आईजीएल, पहले ये बताओ आप, पहले आईजीएल से मेरे से बात है, आईजीएल लुईस भाई आवाज आ रहा है? हाँ। मेरा पहला सवाल है, जो आप आपका क्या प्लान है, जो पहला मैच इजी चिकन निकल गया, दूसरा भी इजी निकल गया, उसके बाद हलवा सब निकल ही जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? आप बताओ, आप आईजीएल हो? नहीं नहीं, मैं गलत बंदे नहीं, से पूछा, ऐसा आपसे पूछना है मेरे को? नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो जो प्रेशर होता है ना पहले 2-3 मैचेस का टॉप में रहने का, वो थोड़ा कम हो गया, वो कम हो गया, पर आप लोग और लीड ले सकते थे, क्योंकि आप 3 जो मैचेस जो हुए ना, बिकेंडी उसके बाद सैनोक उसके बाद आप लोग का इडाइंगल बहुत ही मतलब बोलूँ ना किल ठीक है, पर थोड़ा पॉइजन के लिए आप लोग और जाना, रोटेशन आप लोग परफेक्ट है, पर कहीं आप लोग होल्ड करने में थोड़ा कहीं लैग कर रहे हो आप, कहीं होल्डिंग में ना तो लैग हो रहा है कहीं पीछे थोड़ा फाइट में। नहीं नहीं, हमको जो लास्ट 2 या 3 मैचेस थे वहाँ पे थर्ड पार्टी भी हुआ, मेन रीजन मैं बोलूँगा थर्ड पार्टी बहुत हुआ है, एक सैनोक में हुआ पर वो भी उसके बाद हाँ उसके इरांगल में कल को 2v4 हो गया, STLU पुश कर दिया, वो भी अनस्पॉटली आप लोग को मतलब शॉक हो गए, जो अभी तो बस फाइट लिया 4v4 फिर से 4v2 हो गया, सही था कल का। तो पहले ये बताओ, ये हम लोग का एक्स गॉड तो आपने उसे किक कर दिया, पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो भाई गलती खेल रहा है, हम लोग का पूरा कस्टम का ये कस्टम का #19 किल के साथ #1 पे हो, 1 पे है किल पॉइंट्स अगर चेक किए तो, मतलब किल के हिसाब से जाए तो एक्स गॉड, और उसके बाद आप लोग का अरित्रो नहीं लुईस उसके बाद टिक टाक से 9 किल निकाला, अरित्रो 5 किल निकाला, उसके बाद क्राइबोंग 6 किल निकाला, ब्रेजर 5 किल निकाला, 2 मैच आप लुईस 2 मैच खेले हो क्या? ये 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 डिसीजन कौन लेता है, ये डिसीजन कौन लेता है जो ये इसको दो इसको इसको दो मैच मतलब इसको आज बैठवाना बैठाना है इसको कल खिलवाना है, ऐसा कौन लेता है डिसीजन? नहीं तो 5 बंदे हैं टीम में, मैं मतलब एरेंगल और विकेंडी मतलब जो अच्छा खेलता है मैच में, जिस मैच में स्नाइपर चाहिए या फुल असॉल्टर चाहिए तो ऐसा हम लोग डिसीजन लेते हैं, जो ब्रेजर है वो स्नाइपर है तो उसको मिरामार देना पड़ता है क्योंकि मिरामार में स्नाइपर का रोल ज्यादा होता है। आप पहला मैच 3 प्लेयर के साथ ही क्यों उतरे थे पहले बताओ, कुछ मतलब स्टार्टिंग में गड़बड़ हुआ था क्या? नहीं नहीं, पहला मैच 2 बंदे बिजी थे, ये इसका पराई था, और हम लोग मतलब पहला दिन मतलब देखे ही नहीं थे ग्रुप की आज मैच है, तो लास्ट मोमेंट पे देखे। आप मैं बताऊंगा, ये छोटा मोटा सा लीग है पर तो अभी ग्राइंडिंग के लिए परफेक्ट है, ग्रुप बी के लिए कुछ मतलब कुछ ग्रुप बी का कुछ पता है आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से बोलूंगा ग्रुप बी का टीम बहुत स्ट्रांग है, और ग्रुप बी में ना ऐसे प्लेयर है ना जो टारगेट करके फाइट लेते हैं, मतलब टीम आप लोग को मतलब कोई टारगेट हुआ ही नहीं, मतलब आप लोग ग्रुप ए में इजीली मतलब फिनिश किए हो, पर यहाँ पे ना ग्रुप बी में #1 के लिए ना लास्ट डे तक फाइट हुआ है और टारगेट करके हुआ है, मतलब ऐसा नहीं मतलब तुम खेल लिया मैं खेल लिया जो कर लिया उसका हो गया, सब मतलब अलग ही लेवल का खेल लेते हैं, मतलब एकदम मतलब Tier 2 कस्टम लग रहा था मेरे को, मैं जो कास्ट कर रहा था गलती हो रहा था, वहाँ पर BTX एक है, उसके बाद टीम इग्नाइट से जो ओवरऑल में 104 पॉइंट के साथ स्टैंड कर रहा है, उनका भी थोड़ा अलग ही IGL है, IGL मतलब संजय वैनम भैया बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आप लोग पहले ये बताओ, अगर आप लोग को सोचो फ्यूचर में कोलकाता में कोई बूट कैंप बना तो आप लोग क्या ट्राई करना चाहोगे एक बार ई स्पोर्ट की तरफ? हाँ खेलते हैं तो ट्राई तो जरूर करें।
चलो अब पहले बता, मेरा तो चांसेस कम है, तो भाई बनाऊंगा भी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, उसके बाद मेरा प्राई होगा, उसके बाद कभी बनाऊंगा फ्यूचर में जॉब के साथ करते रहूंगा। कभी और कोई मतलब ग्राइंडिंग देख के कहीं, मतलब आप लोग इतना ग्राइंड करते हो, मेरा चैनल ग्रो किया तो यहाँ पर ग्राइंडिंग चलते रहेगा और भी मतलब स्ट्रीम भी चलते रहता है, तो कभी आप लोग को मतलब सोचो मेरे को स्पॉन्सरशिप आया ठीक है कुछ टीम को लेके, तो एक क्या अपॉर्चुनिटी आप लोग यूज़ करोगे पहले बताओ, यूज़ करना चाहोगे अपॉर्चुनिटी पहले बताओ। नहीं बात ही कट गया बीच से, मैं बता रहा हूँ देखो कभी मेरा चैनल पे कभी स्पॉन्सर आया ठीक है हाँ। तो मेनली स्पॉन्सर्स लोग ना रिप्रेजेंट करने के लिए टीम को मतलब पैसा देते हैं, तो वहाँ पर मैं कुछ टीम को सिलेक्ट करके रिप्रेजेंट करूँगा, कौन सा भी कोई भी लीग हो, PMSS हो, PMC हो, कुछ भी हो, तो आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहोगे मतलब अपॉर्चुनिटी लेना चाहोगे हाथ में पहले बताओ। हाँ वो तो चाहिए, यही टीम यही ग्राइंडिंग रहेगा, सेम ग्राइंडिंग सेम टीम, कोई चेंजेस? हाँ नहीं नहीं अभी तो चेंजेस नहीं सोचे। यहाँ पे थंब प्लेयर कौन है, कोई थंब प्लेयर है? नो मेरा कोई ऐसा बंदा जो मेरा स्टैटिक्स चेक कर रहा होगा? ब्रेजर थंब प्लेयर, ब्रेजर थंब प्लेयर ठीक है, कोई ऐसा बंदा जो मेरा स्टैटिक्स चेक कर रहा होगा अभी फिलहाल? नहीं अभी ऐसा कोई नहीं, नहीं आप नहीं होता है, नहीं मतलब ग्रुप में ज्वाइन किया पहले स्टैट्स के साथ शुरू होता है क्या प्लेयर है जज करना। चलो ठीक है, नहीं नहीं चलो ठीक है, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो हमारे सामने जो भी हो हर टीम एक जैसा ही है, स्टैट्स कुछ नहीं होता, अगर वो लोग नॉक नहीं है तो पुश आएगा, हमले नॉक नहीं है तो पुश हमारा आएगा। नहीं चलो आप लोग बस एक बार और करूंगा, जो आप लोग ना ग्रुप बी से थोड़ा सा और मतलब अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और थोड़ा किल पे वर्क करो, जैसा आप लोग पहला मैच गया दूसरा मैच गया वैसा ही थोड़ा सा और मतलब वैसा ही टाइप का खेलो, क्योंकि मेनली छोटे मैप रहेंगे, मैक्सिमम इरांगल रहेगा, दो मैप छोटा रहेगा, दो दिन का फाइट होगा, दोनों में सेम रहेगा, तो आप लोग ट्राई करना छोटा, हाँ छः मैचेस है तो आप लोग ट्राई करना थोड़ा सा और वर्कआउट करने के लिए छोटे मैप में, क्योंकि मेनली छोटे मैप का वैल्यू होने वाला है, वहाँ पर बेसिक वैल्यू होगा छोटे मैप का। हाँ वही ये होगा, और एक्स गॉड को मैं अलग से मैं शाउट आउट दूंगा भाई, गलती खेला 19 किल के साथ, #1 पे फिनिश कर रहा है हमारे दोनों ग्रुप को मिला के भाई, 19 किल कम नहीं होता है पांच मैचेस में भाई, गलती जिगल जोनाथन बन गया अलग ही है। और अरे उसके बाद बताओ ये जो आज का जो ये हम लोग का जो एडवांस कस्टम था वहाँ पर आपको गन यूज करने को उसने बोला? ये तो था नहीं, मैं नहीं जानता इस बारे में। ओ कौन था, क्राइबोंग था? नहीं नहीं अरे भाई 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 गलती वो सुनो प्रेज का तो माइक मतलब कि ग्लिच था ठीक है पहले से उतरते ही, तो हम तीन बंदे स्कूल आए थे तो ब्रेज भाई अपने ही मतलब मेरा था साइड में चला गया गाड़ी, तो फिर मैंने मजे के लिए काकार मुंह ने भी कहा भाई गन उठा ले थोड़ा लफड़ा कर भाई। गलत है भाई, आप लोगों को पता है ये ग्रुप में मतलब ना टॉक्सिसिटी एकदम अलग लेवल का फैला हुआ है, बहुत ही गलत गाली चल रहा है भाई साहब, भाई गलत। मैं एट अ टाइम में दोनों कंट्रोल नहीं कर सकता ना, एडमिन फैडमिन मोबाइल एक ही डिवाइस है, वो भी लो एंड डिवाइस है, पर भी कर लेता मैनेज कर लेता सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को फाइनल के लिए, पर रुको जाते आते एक बार अरित्रो से बात करना चाहूंगा। ये पहले बताओ, पहले आप लोग बताओ ये आप लोगों को पता था अरित्रो मेरा दोस्त? नहीं नहीं तीन मैचेस के बाद पता चला भाई, अरित्रो चैनल चेक कर भाई, अरित्रो को खुद पता नहीं था, वो भाई कास्टिंग देख रहा था उसके बाद उसको पता चला जो ये तो मेरा भाई है। गलत है भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को बहुत थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ अलग ही खुशी मिला, सही है बता रहा हूँ सही मतलब क्या बताऊँ। कोई इंसिडेंट देखो मतलब आप लोग मतलब पहला मैच में अरित्रो खेल नहीं रहा था ठीक है, उसके बाद भी वो खेला मेरे को पता नहीं था वो अरित्रो ही ठीक है, बाद में मेरे को आया जो अरित्रो हाँ अरित्रो है आप चलो बोला व्हाट्सएप पे बोलूंगा हाँ, पर अरित्रो को भी अभी काम करना पड़ेगा अपने गेम प्ले में पढ़ाई के साथ साथ ठीक है, होते रहता है पढ़ाई, अभी लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, मेरे पास तो बुक भी नहीं है तो मैं पढ़ाई करने वाला भी नहीं, हो जाएगा मकाउट का हम लोग का ऑर्गेनाइजर रहता है भाई देख लूंगा हो जाएगा, होता तो भी नहीं करते चलो ठीक है बेस्ट ऑफ लक फाइनल के लिए, एकदम बूम बाम से खेलना पर ग्रुप बी से बच के, क्योंकि ग्रुप बी में ऐसी टीम है जो एग्रेसिव ओवर एग्रेसिव है ठीक है, फाइनल में 20 टीम्स है ना, हाँ 25 टीम है, 5 वाइल्ड कार्ड टीम्स है, अच्छा और 6 मैच, हाँ 6 मैचेस जैसा आप लोग ने डिसाइड किया, 3 मैचेस कर लोगा परसों, 3 मैचेस, मेरा पिंग इशू करता है कभी कभी, अगर कैंसिल हुआ तो मैं ऑनेस्ट टीम बोल दूंगा ग्रुप में बोल दूंगा, सब कुछ सही है, पर एक बात बताओ आप लोग को कैसा लगता है यहाँ पे खेल के पहले बताओ?
जाते आते पहला मैच है, पर आप लोग पहला टीम हो, पहला टीम हो जो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, पहला टीम हो जो फिर आप मतलब नया टीम जो टूर्नामेंट खेल रहे हो। हाँ तो पहले ये देखो, मेरा बस मोटिव यही है, आप लोग ये टूर्नामेंट खेल के कोई भी टूर्नामेंट के लिए जाओगे आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, बस खाली बूम बाम करो। अगर मेरे को कभी स्पॉन्सर्स मिले तो मैं आप लोग को जरूर इन्वाइट करूंगा और फ्यूचर टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, पढ़ाई के साथ साथ 2-3 घंटा तो निकाल ही पाओगे आप लोग। चलो ठीक है, चलो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए और अच्छा से एकदम बूम बाम करो और ट्राई करना फाइनल में टॉप 3 रहने का, जो फिर से एक बार इंटरव्यू 1 घंटा का हो सके। चलो पर इग्नाइट इग्नाइट और BTS को भूलना मत, थोड़ा स्टडी करना, 2 घंटा भी होगा तो स्टडी करना, उन लोग का इंटरव्यू भी देखना कैसे बात की, क्या क्या उन लोग का स्ट्रैटेजी है, शायद काम पाए आप लोग को। ग्रुप ए में फिलहाल आप लोग का कोई टक्कर देने वाला है नहीं, मैं जितना बोलूंगा PWM को छोड़ के, अगर PWM 4v4 फाइट हुआ तो आप लोग को टक्कर देगा और जीतेगा भी, मैं इतना बोल सकता हूँ उनको, जितना मैं देखा हूँ वही टीम है ना जो एरंगेल में गाड़ी ठोका था, गाड़ी क्लच किया था, लुईस ने क्लच कर दिया था, 1v4 हो गया था मेरे यार, पहला दिन के पहला 1v4 क्या था, क्या 1v4 था लुईस ने एरंगेल में सभी टीम अच्छी, पर आप लोग को ग्रुप बी से थोड़ा बचना पड़ेगा BTX को मिलने। चलो चलते आप BTX का इंटरव्यू करते, आप लोग जरूर स्ट्रीम देखना, एंजॉय करना और कभी फ्यूचर में टाइम मिले तो जरूर आप लोग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मौका दूंगा एक और। चलो थैंक यू, मिलते हैं, अरित्रो बाय, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू। चलो गाइस ये था हम लोग का टीम IES इंडियन ईस्पोर्ट जो ग्रुप ए में #1 में फिनिश करता है और अच्छा किल के साथ, तो एक बार चलेंगे अपने BTS के तरफ। BTX लेट्स गो टू BTX, यहाँ पे BTX में रोहित करके एक बंदा है, मतलब BTS का थीम थोड़ा कॉमेडी टाइप है, थोड़ा बात करने में थोड़ा मैं थोड़ा कॉमेडी टाइप ही बात करूंगा। चलते हैं BTS की तरफ, फिलहाल बुलाया जाए BTX, लेट्स ज्वाइन। चलो BTX इज वेयर BTX मेरे लिस्ट में क्या ओके BTX निंजा है। चलो किधर गया BTX निंजा, IES BTX किधर, भाई आईडी आप कैसे दो, गलत है आईडी, ओके 5221539451। चलो गाइस थोड़ा सा 2 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद टीम BTX से बात करेंगे जो ग्रुप बी में अभी फिलहाल सब टीम को टक्कर दिया है और अच्छा प्रूफ किया अपने आपको, कोई भी टीम यहाँ पर कमज़ोर नहीं है, सब अच्छा खेल रहे हैं, अपने आपको प्रूफ कर रहे हैं, अपने आपको ग्राइंड कर रहा है डेली, तो होप सो इन लोगों को कोई मतलब कोलकाता से कोई बूट कैंप या कुछ ऐसा कुछ हो तो उन लोगों को चांसेस मिले। मैं चाहता हूँ जो मेरे ग्राइंडिंग से इधर से कुछ बंदे जाए और रिप्रेजेंट करें तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि कोलकाता से अभी तक कोई भी एक ईस्पोर्ट टीम अभी तक बना नहीं है अच्छा जो रिप्रेजेंट कर सके हर जगह पर, तो होप सो यहाँ पर कुछ बने। जस्ट वेटिंग फॉर BTX, लेट्स ज्वाइन BTX। अच्छा लगा मेरे को, सबसे मस्त लगा, सभी टीम से भाई मस्त लगा, और यहाँ पर मुझे टीम इग्नाइट से तो अलग ही मज़ा आया, और यहाँ पर IES थोड़ा पैनिक मतलब थोड़ा सा नर्वस हुआ, पर ठीक है होता है फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है होता है कोई बात नहीं। ओके BTS का, मैं BTS को आगे बोला था भाई तुम लोग मेरे को, मैं आगे सीन कर दिया था भाई ऐसा टाइम में आना है रेडी है ना, पर क्या बताऊँ BTX किधर गया, BTX कोई BTX का दिख नहीं रहा मेरे को,
नो रिक्वेस्ट फ्रॉम बीटीएक्स. ओपी डाकू इज देयर. सेटिंग मीटिंग हो रहा होगा, कौन खेलना चाहता है, कौन आज इंटरव्यू में पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, ऐसा कुछ सीन है. देखते क्या होता है. बीटीएक्स नहीं आया. ओके हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? ओपी डाकू, डीपी डाकू, जो भी बोलो. नहीं नहीं, डीपी डाकू को नहीं आ रहा. नहीं, ओपी डाकू आपका नाम जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डी जैसा लगता है. वो डी लगता है, अब कैपिटल हो है ना, वो कैपिटल हो है ना. चलो ठीक है भाई, ये तो एक प्लस स्ट्रीम है कि ऐसे नॉर्मल है. क्या इंटरव्यू सबके लिए, आप लोग मम्मी पापा जिसको दिखलाना है दिखलाओ, इसलिए आप लोग थोड़ा आराम से. ठीक है, मम्मी पापा वगैरह कोई नहीं भाई. चल ठीक है, तो ठीक है. पहला बात सुनो, पहले रोहित कौन है इसमें से पहले बताओ. रोहित कोई नहीं है. बाद में बात करेंगे वो सब. पहले ये बताओ, आप लोग बीच में #1poison पकड़े थे अपना, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ऐसा जो आप लोग का सेकेंड लास्ट मैच में था, आप लोग अली एग्जिट हुआ, उसके बाद बीच में आप लोग का छोटा मैप में भी अली एग्जिट होना पड़ा, क्या रीजन क्या था पहले ये बताओ.